बचपन में खूब कहावत होती थी कि मुंबई की बारिश और मुंबई की लड़की पे कभी भरोसा मत करना बैकडोर <laughs> एंट्री मारी एक्टिंग एक्टिंग ने मेरी जिंदगी में मेंज़ ऑलमोस्ट थर्टी थ्री वन आई डिसाइडेड टू परस्यू एक्टिंग प्रोफेशनली कि उस वक्त पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी और uh, काम ही नहीं मिल रहा था ऐसे मौके आए जब मतलब मैं फाइनेंशियली मैं पूरी तरह से टूट गया था इतने कर्ज़े चढ़ गए थे कि जिन जिन से मैं पैसे मांग सकता था उनसे मैंने मैक्सिमम उधार ले लिया था मैं तो पैरों में गिर गया कि भाई <laughs> मुझे ही कास्ट करना प्लीज तो वो मैं बताऊंगा नहीं कौन एनीमियस ऑब्वियसली <laughs> अब तक सबसे ज्यादा प्यार जो मिला है वो तो जेके के लिए ही मिला है <laughs> फैमिली मैन उसने तो मेरी जिंदगी बदली है पूरी तरीके से बहुत बहुत मजा आया हुमा के साथ काम करके बट मुझे स्टीरियोटाइप होने से भी कोई दिक्कत नहीं है असुर हां मैंने जब जब उस शो को मैंने हां कर था तब मुझे इतना आ, मैं आई वॉज़ नॉट श्योर मैं जहाँ पर भी हूँ मैं वो पार करके आया हूँ मैं जितना डिज़र्व करता हूँ अभी मैं मुझे उतना मिला नहीं मेरा एक अफसोस है ज़िंदगी में अभी भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हुए नहीं है मुझे ऐसा लगता है वो खाली ऊपर का वो दिखावा होता है जो ज़्यादातर लोग बनते हैं प्रोग्रेसिव फिल्में जो है वो तो डायरेक्टर का मीडियम है थिएटर जो है वो एक्टर का मीडियम है अनुराग कश्यप साहब के साथ काम करना ही है <laughs> और दिवाकर बनर्जी साहब के साथ काम करना ही है अभिषेक चौबा जी के साथ काम करना ही है गाना ना आया है बजाना ना आया है दिलबर को अपना बनाना न आया हाँ गाना न आया बजाना ना आया है दिलबर को अपना बनाना न आया तो हमारे अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट के जो अगले गेस्ट हैं वो हैं बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर जिन्हें आपकी आपने हाल ही फिलहाल में तरला फिल्म में नलिन दलाल के रोल में देखा है नाम है उनका शारिब हाशमी शारिब हाशमी को आपने द फैमिली मैन अफवाह साथ के साथ असुर जैसी फिल्मों में भी देखा है बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं हमने उनसे एक लंबी बातचीत की है जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग की पूरी जर्नी के बारे में बताया है जो कि उन्होंने काफी देर से शुरू की उस पूरी जर्नी के बारे में बताया है किस तरीके से वो फिल्मों को अप्रोच करते हैं क्या उनका स्ट्रगल रहा वो लाइफ को कैसे देखते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं बहुत लंबी बातचीत बहुत ही बेहतरीन बातचीत तो उनके साथ हुई है और आखिरी में उन्होंने एक गाना भी सुनाया है इस पूरे पॉडकास्ट को देखने के लिए आपके वीडियो देखिए और इन्जॉय करिए तो बताइए फिर दिल्ली आकर के अभी कैसा मौसम लग रहा है यहाँ का क्या मैं अभी बॉम्बे से मुंबई से जो आया हूँ मतलब कुछ दो हफ्ते से वहाँ लगातार बरसात चल रही है मतलब भयंकर घमासान और जे और मैं जिस दिन आने वाला था मतलब परसों में आया था तो मुझे बोला था कि यहाँ दिल्ली में भी हो रही है बारिश फिल्म सिटी में बारिश होती है तो पूरा भर जा रहा है ये सीन है अभी बारिश का बाकी लेकिन मुंबई की बारिश से तो कंपेयर नहीं की जा सकती ना दिल्ली हाँ मुंबई की बारिश मुंबई की बारिश तो भाई एक हाँ बचपन में कहावत होती थी कि मुंबई की बारिश और मुंबई की लड़की पे कभी भरोसा मत करना <laughs> 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 फिर किया आपने भरोसा हाँ नहीं भरोसा तो करता ही है इंसान है भरोसा तो करना ही पड़ेगा वरना तो आदमी तो आपकी शादी जिनसे हुई है वो कहाँ से है वो भी बॉम्बे से है हाँ अब इससे ज्यादा और क्या भरोसा प्रमाण के साथ भरोसा एकदम मतलब सबसे पहले तो अभी आपकी तरला फिल्म आई है मैंने देखी और साथ ही साथ मैंने अफवाह भी देखी दोनों में आपका रोल देखा और बहुत ही पसंद आया मुझे जिस तरीके से तरला में आपने एक्टिंग की वो आपको रिस्पॉन्स मिल ही रहे होंगे तो सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं कि तरला फिल्म का पूरी प्रोसेस कैसी थी कब आपको पता चला कि आपको ये फिल्म करनी है और क्या जब आप चूज़ कर रहे थे तो क्या आपके दिमाग में था फिल्म चूज़ करने के पहले तरला तो आ, मुझे उन्होंने चूज़ किया है मैं मतलब अगर ये मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं तरला को चुनूंगा तरला मेरे पास आई और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि आ, मतलब डायरेक्टर साहब पीयूष गुप्ता जो हैं वो मुकेश हावरा भाई जिन्होंने कास्टिंग की है अश्विनी अय्यर तिवारी नितेश तिवारी साहब स इन सब ने मतलब मुझे कंसिडर किया इस कैरेक्टर के लिए वो मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी खुशनसीबी है और मुझे जब पहली बार नरेट किया था पीयूष भाई ने तो मैं पागल हो गया था उस वक्त जब कहानी सुन के और जो किरदार मुझे उन्होंने कहा कि आप हाँ, हम आपको नलिन दलाल के लिए देख रहे हैं तो मैं तो मतलब आ, अरे यार ये इतना खूबसूरत कैरेक्टर और मैं बहुत बहुत उस स्क्रिप्ट से और उनके नरेशन से इतना मतलब प्रभावित हुआ था कि जब वो आ, एक पॉइंट था कहानी में

मतलब मेरे यार इतना खुछ, मतलब खूबसूरत लिखा हुआ था वो सीन उसके डायलॉग्स इतने प्यारे थे मैंने तो तुरंत उन मैं तो पैरों में गिर गया भाई <laughs> मुझे ही कास्ट करना प्लीज <laughs> और किसी से मत मिलिए थैंकफुली <laughs> uh, मतलब दे वेंट अहेड विद मी एंड बहुत बहुत मैं तो बाहर निकला ऑफिस के और <clears throat> क्या कहते हैं गाड़ी में मैं जा ही रहा था सडनली मुझे आ, मतलब मैं यार ये तो पूछने मैंने पूछा बल्लू भाई ये तरला कौन प्ले कर रही है तो उसने बोला अरे आपको बताया नहीं वो तो हुमा कुरैशी प्ले कर रही है तो मैंने गाड़ी तुरंत साइड में लगाई एक मिनट भाई ये तो हुमा कुरैशी तो वो तो अ स्टार वो मेरे ऑपोजिट वो मुझको मतलब साथ में मेरे तैयार भी होंगी नहीं होगी एक तो इतनी लंबी है मैं छोटा सा हूँ <laughs> और, और ऐसे पचास फिर आदमी वो सोचता है कि यार यार इतनी बढ़िया चीज़ थी यार ये बट फिर मुझे पीयूष भाई ने बोला कि वो ना एक आ, साथ में हम दोनों के कुछ रीडिंग करना चाहते हैं देखना चाहते हैं साथ में हम कैसे लग रहे हैं कि लुक टेस्ट हो जाए तो मुझे लगा यार ये तो गया अभी <laughs> तो उसके पहले आप कभी हुमा कुरैशी से मैं मेरी मुलाकात भी नहीं हुई थी कभी उनसे मतलब मैं कभी किसी पार्टी में भी नहीं टकराया था तो बट मैं उनको उनका काम बहुत पसंद करता था हमेशा से अभी भी करता हूँ अब तो मतलब वो मतलब जिगरी दोस्त हैं एकदम तो बहुत प्यारी तो जब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो बहुत स्नोब सी होंगी या थोड़ा मतलब एटीट्यूड थ्रो करेंगी जब मैं मिलने गया लेकिन पहला दिन हमारी मतलब ट्यूनिंग जो है ना एकदम तुरंत ऐसे जम गई है। और रीडि, रीडिंग के वक्त हमने इम्प्रोवाइज करना शुरू किया वो और वो भी बहुत ऐसे फ्लो कर रहा था सब कुछ तो इतना मज़ा आया मुझे उनके साथ रीडिंग करते हुए और वो पूरा मतलब आधा दिन हम सब साथ में ही थे स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे साथ में पीयूष भाई और सब और वो बहुत इंजॉयबल डे था मेरे लिए वो पूरा प्रोसेस साथ में सीन्स करना और तो मैंने मतलब जो सोचा था कि हुमा पता नहीं क्या वो करेंगे वो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट निकली मतलब अ स्वीट हार्ट और बहुत कोऑपरेटिव है इज़ अ वंडरफुल को एक्टर टू हैव ऑन द सेट मतलब और बहुत ही प्यारी इंसान है बहुत बहुत मज़ा आया हुमा के साथ काम करके और तरला मेरे लिए बहुत बहुत ही खास है फिल्म बहुत हमेशा बहुत स्पेशल रहेगी और मैं मतलब एक तो तरला दलाल जी की मतलब इतनी आइकॉनिक पर्सनालिटी है वो और हम बचपन से उनका नाम सुनते सुनते बड़े हुए हैं उनकी रेसिपीज़ घर में हमारे मतलब किचन में रहती हैं और उनकी लाइफ पर एक फिल्म बन रही है और उसमें मुझे उनके पति का किरदार निभाने का मौका मिल रहा है मतलब मेरे लिए बहुत गर्व की बात है ये मतलब मैं तो हमेशा मतलब आई ऑलवेज बी प्राउड दैट आई प्लेड नलिंद तो जैसे आपने ये बताया कि आपको जब नेरेशन किया इस स्टोरी का तो आपको ये भी नहीं पता था कि कौन आपका को एक्टर होने वाला है उसमें तो जैसे जब आप फिल्म को चूज कर रहे होते हैं या आपको बुलाया जाता है तो आपकी मतलब शारिफ़ साहब के दिमाग में क्या रहता है कि मुझे फिल्म की जो स्टोरी है वो भरोसा जिसकी हमने सबसे पहले बात की उस पर भरोसा करूँगा मैं मैं डायरेक्टर कौन है फिल्म का उस पर भरोसा करूँगा या एक्टर कौन कौन होने वाला है मतलब कौन कौन सी सारी चीजें हैं जो उसमें हिस्सा निभा रही होती हैं जब आप किसी फिल्म में आ, अपना हिस्सा देने जा रहे हो तो आप क्रोनोलॉजी समझिए पहले <laughs> सबसे पहले तो आ, <clears throat> जो कहानी है वो मुझे मतलब मैं अगर स्क्रिप्ट मिलती है पढ़ने के लिए तो वो मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि एक ऑडियंस की तरह वीवर जो मतलब कोई अगर किताब ले रहा है कोई नावल पढ़ रहा है तो वो अगर पढ़ते वक्त उसको कितना मजा आता है तो एज एन ऑडियंस मैं स्क्रिप्ट uh, पढ़ता हूँ कि वो मुझे कितना एंगेज कर रही है उसे पढ़कर मुझे कितना मजा आ रहा है और अगर अच्छी लग रही है स्क्रिप्ट तो जो किरदार मुझे दिया गया है वो कितना इम्पोर्टेंट है कहानी में और वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और वो मुझे कितना चैलेंज कर रहा है परफॉर्म करने के लिए और मतलब क्या कितना सब्सटैशियल रोल है कहानी को आगे लेकर आगे लेकर जा रहा है या रोक रहा है तो ये बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें एंड कोर्स डायरेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक बुरा डायरेक्टर एक अच्छे स्क्रिप्ट की को तबाह कर सकता है <laughs> <laughs> तो इसीलिए एक अच्छा डायरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है और प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स क्योंकि पहे वहाँ से आएंगे <laughs> और वो मतलब आ, मतलब वो करते हैं कि फ़िल्म को जो है उसके आखिरी मुकाम तक पहुंचाना प्रोड्यूसर का काम होता है मतलब शुरू से लेके आखिर तक जो तो वो उनका करेक्ट होना बहुत जरूरी है और इन सब के अलावा आप जब मिल रहे हैं उनसे जिनके साथ भी आपकी जब मीटिंग हो रही है डायरेक्टर से तो वो एक तालमेल होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपको वो इंसान ही पसंद नहीं आया क्योंकि आपको काफ़ी लंबा वक्त उनके साथ बिताना है बीस दिन पच्चीस दिन पचास दिन तो अगर आपको वो बंदा ही अगर जमा नहीं तो फिर वो पच, पचास दिन जो है ना वो मतलब ऐसे भारी पड़ते हैं ना बोझ <laughs> बोझ हो जाता है मतलब यू क्रिंज गोइंग ऑन द सेट एवरी डे तो जब लोग मिलते हैं ना अच्छे साथ में तो और मैं मुझे भगवान की कृपा से हमेशा ज़्यादातर अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है और मैं हमेशा ही मैंने बहुत इन्जॉय किया है मेरे

तो फिर उससे कैसे डील करते हैं आप कि कैसे आप अपने दिमाग को ये बताते हैं कि नहीं यार ठीक है चलो करते हैं इसे और ऑफ कोर्स जब आपका वो स्क्रीन पे काम आएगा तो लोग उसके बैकड्रॉप पे नहीं जाएंगे बैकग्राउंड पे नहीं जाएंगे कि कैसे वहाँ के सेट के हालात थे एक्जैक्टली वो तो आपको जज करने वाले हैं एग्जैक्टली exactly. अब एक्टिंग आप कर रहे हैं सामने लेकिन आपका सेट पर मन नहीं लग रहा है आप उस चीज को फील नहीं कर पा रहे हैं और उसमें परफॉर्म भी करना है तो फिर वो उन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं उन चीज़ों को एक ही तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि अपना काम मैं ईमानदारी से करूँ <laughs> क्योंकि उस वक्त ऑफकोर्स जब आपका आप किसी चीज़ से खुश नहीं है या डायरेक्टर से या कहानी से या जो आपको किरदार मिला है उस वजह से कर रहे हैं या कि उस वक्त पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी और आ, काम ही नहीं मिल रहा था और ऐसे में आपने कुछ प्रोजेक्ट कर लिया और जब आप वहाँ पर जाते हैं तो मैं अपनी तरफ से हंड्रेड परसेंट देने की कोशिश करता हूँ पूरी और मैं वो नहीं जाहिर होने देता कि अरे यार ये कहाँ आ गया मैं वो मेरे अंदर चलता है ऑफ कोर्स चलेगा वो मैं मतलब हूँ तो इंसान ही लेकिन मैं वो उसको अपनी तरफ से काम पर इफेक्ट ना हो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ और मैं अपना हंड्रेड परसेंट देता हूँ बाकी आ। तो क्या थाट क्या देते हैं मतलब कैसे ये प्रोसेस आपके अंदर चलती है इसमें प्रोसेस क्या है और कोई थॉट नहीं है ये तो बस काम अच्छा करना है ईमानदारी से करना है बस वही काम पे फोकस करो जो सीन है उस पर फोकस करो जो साथ में एक्टर हैं उनके साथ में आ, मतलब जितना तालमेल है वो बनाओ और मतलब जी लो <laughs> जो मिल रहा है क्योंकि भले मैं ये कह रहा हूं कि मैं मतलब ऐसे कुछ और ऐसे बहुत गिने चुने गिने चुने मतलब मैं एक हाथ की उंगली में भी मतलब पूरे नहीं मतलब पड़ेंगे तो Uh, क्या कहते हैं उसको अरे जो मैं कहना चाह रहा था वही <laughs> कि कम मौके हैं ऐसे ऐसे बहुत नहीं ऐसे कम मौके हैं और uh, मैं कह रहा था कि ऐसे मैं जो भी कह रहा हूं, उतना तो उतना भी लोगों को मिलता नहीं है हुँ. तो मैं मतलब क्रिंज करूं जाकर कि यार शूट मतलब ये कहाँ पहुंच गया मैं वो जितना मैं कह रहा हूँ उतना तो मैंने कभी किया भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कई लोग सेट पर पहुंचने के लिए मतलब उम्र भर तरस जाते हैं काम मिलता ही नहीं है और मिलता भी है तो बहुत मतलब मतलब एकदम आ, बहुत इंटरवल्स के अंदर और बहुत ब्रेक्स में तो मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे ऊपर वाला काम दे रहा है और रोज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अच्छे लोगों के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है और अब अगर बीच में कभी कुछ हो गया तो ठीक है ऊपर वाले का आप जिक्र कर रहे हैं तो मानते हैं आप ऊपर वाले में मानते हैं बिल्कुल मानता हूँ बहुत मानता हूँ और किस कित किन मौकों पर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ से भरोसा मिल रहा है आपको मदद मिल रही है आपको बहुत बार होता है यार मेरे साथ में क्योंकि मैंने जब आ, नौकरी छोड़ छाड़ के जब एक्टिंग करने का डिसीजन लिया और और बहुत लेट मतलब मैं आई वाज ऑलमोस्ट थर्टी थ्री आई डिसाइडेड टू परस्यू एक्टिंग प्रोफेशनली और उसके पहले मैं लिख रहा था और ये सब कर रहा था तो तब जब मैंने ये डिसीजन लिया तो तब मैंने मैं शादीशुदा था बच्चा था बच्चा था मेरा एक तो तब वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था और उसके बाद कई ऐसे तर... मौके आए जब मतलब मैं फाइनेंशियली मैं पूरी तरह से टूट गया था बट हमेशा जब मैं एकदम पूरी तरह डाउन होता था कहीं से कुछ ऐसा कुछ काम आ जाता था या कुछ मिल जाता था जिससे कि चलो महीना दो महीना और काम हो जाएगा तो वो बहुत मुझे ऐसा लगता था कि यार इसमें कुछ ऊपर वाले का हाथ है ये जो मतलब इस आदमी को उन्होंने जरिया बनाया है और मतलब मेरी हेल्प की है तो ऐसा मुझे बहुत लगता है कि ऊपर वाले ने और अभी भी जो मैं मतलब काम हो रहा है जितना भी लोगों का अप्रिसिएशन मिल रहा है मुझे पूरा वो है उनकी मतलब क्योंकि काम तो मैं दस साल पहले भी अच्छा ही कर रहा था <laughs> लेकिन कर्म उन्होंने अभी <laughs> किया है और सर पे हाथ अभी रखा है <laughs> अच्छा तो ऐसे ये तरला आई अभी आपको जिस तरीके के फीडबैक्स मिल रहे मतलब ये कैसे पता चलता है कि फिल्म चल गई या अच्छी हो गई मतलब इन किन किन आधार पे आप ये तय करते हैं देखिए अब ये आधार एक तो ओटीटी पे पता नहीं क्योंकि अगर थिएटर में रिलीज होती है तो एक नंबर मिलते तो हैं पता चल जाता है हाँ, उससे अब यहाँ पर भी कुछ स्ट्रीमिंग मिनट्स होते हैं जिसकी वजह से पता चलता है तो इसके कुछ 150 मिलियन स्ट्रीमिंग मिनट्स थे प्लस मतलब अब तो और हो गए तो अब इसका क्या क्राइट मतलब क्या कहते हैं उसको इसका मापदंड या इसको मेजर करने का क्या तरीका है मुझे पता नहीं लेकिन मैं पर्सनली जो बता सकता हूँ कि मुझे जो मैसेजेस आए हैं फिल्म देखने के बाद जो रिव्यूज़ में क्रिटिक्स ने कहा है फिल्म देखने के बाद में तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा ग्रेटिफिकेशन है और फिल्म की कामयाबी उस उन मैसेजेस में है और जो प्यार मुझे अभी भी मिल रहा है आज भी मुझे किसी ने अभी सुबह सुबह एक मैंने मैसेज देखा बहुत ही प्यारा वो था तो मेरे लिए तो फिल्म की कामयाबी उन मैसेजेस से और जो लोग जिस तरीके से आपको फिल्म देखने के बाद जब मिलते हैं या फिल्म देखने के बाद आपसे वो जब कोई स्क्रीनिंग के बाद आप किसी से मिलते हैं और जो जेन्य मतलब एक प्रेज करता है वो आपको पता चल जाता है क्योंकि इंडस्ट्री में जब किसी को क्योंकि हर किसी को एक फिल्म देखने जाना ही है बिल्कुल और बाहर निकल के उसको बुरा तो बोल ही नहीं सकते <laughs> तो वो जब अच्छी लग नहीं लगती है तो हाँ कंग्रेचुलेशन्स थैंक यू वेरी नाइस ये चीज़ें बोल के नहीं लेकिन जब वाकई फिल्म पसंद आती है तो वो फिर फिल्म के बारे में बात करते हैं आपका काम कैसा लगा उसके बारे में बात करते हैं और और वो एक वॉम्थ जो मतलब एक होता है उनके शब्दों में वो एक अच्छी फिल्म देख के बाहर आने के बाद जो एक ख़ुशी आपको मिलती है वो उनके चेहरे पर होती है और वो मेरे ख्याल से मेरा मापदंड वो है जैसे हम, करने का हम लोग हैं तो ऐसे मान लीजिए मेरा ये कि मैं जब कोई रिपोर्ट करता हूँ उसके बाद मैं अपने कुछ दोस्त हैं जिनको मैं मानता हूँ कि नहीं इनसे मुझे प्रॉपर फीडबैक मिलेगा या जिन्हें और मैं अपना मेंटोर मानता हूँ उन लोगों को दिखाता हूँ फिर उनसे मुझे फीडबैक मिलता है आपकी लाइफ में ऐसे कोई लोग जिनके साथ आप बैठ करके मतलब प्रॉपर फीडबैक के लिए ही हाँ, आप दिखा रहे हैं है जिनसे आपको ये बोल सके वो कि नहीं अच्छी बनी या नहीं बिल्कुल बिल्कुल बहुत हैं मतलब बहुत बहुत नहीं है एक्चुअली <laughs> लेकिन हैं मेरी लाइफ में ऐसे और जिनका वैलिडेशन मैं मतलब हमेशा चाहता हूँ और मैं जब और जब, जब उनका वैलिडेशन मिलता है तो मुझे लगता है कि भाई कभी मतलब एक सुकून मिलता है दिल को तो एक तो मेरी बेगम है वो जब मतलब कुछ चीज देखती हैं और उन वो जब क्रिटिसाइज करती हैं या बुराई या तारीफ करती हैं तो वो मैं मतलब मानता हूँ पूरी तरीके से और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं नितिन कक्कर जो जिन्होंने फिल्मिस्तान डायरेक्ट की है और हम मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं वो जब कोई फिल्म देख मुझे तारीफ करते हैं तो मैं उस दिन सातवें आसमान पर रहता हूँ <laughs> और तरला देख के उन्होंने मुझे बहुत मतलब ऐसे गले लगाया था और बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली तो मैं मतलब उस दिन तो मैं बहुत बहुत मेरा मेरे लिए वो बहुत खुशी का दिन था आज मैं ऊपर आसमानी एब्सोल्यूट सब नीचे <laughs> तो क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं आप क्रिटिसिज्म को भी मैं बिल्कुल क्या कहेंगे उसको कंस्ट्रक्टिवली लेता हूँ क्योंकि अगर उसमें कोई चीज लगती है कि हाँ यार ये चीज़ तो सही में मेरे से शायद चूक गई थी अगर कोई सीन अगर किसी ने स्पेसिफिकली बोला है और मुझे लगता है कि हाँ ये मैं और बेहतर कर सकता था तो मुझे मेरे ख्याल से अगर आप क्रिटिक्स को जो वो जिस तरीके से लिखते हैं उसको अगर आप पॉजिटिवली लें और अगर जो खामियां वो बता रहे हैं अगर आप उनको और इम्प्रूव करने की कोशिश करें तो आपका ही काम तो अच्छा होगा <laughs> तो मेरे ख्याल से तो जो भी हो रहा है सब आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है जो फिल्म बना रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं और अगर आपसे पाँच टेक एक्स्ट्रा मांग रहे हैं तो वो आपकी बेहतरी है उसके अंदर क्योंकि स्क्रीन पे नज़र तो आप ही आने वाले हैं ना डायरेक्टर ने पाँच या पंद्रह टेक लिए थे वो तो दिखाई नहीं देगा आखिरी टेक दिखाई देगा जो कि उन्हें पसंद आया है जो उन्हें चाहिए था तो मेरे ख्याल से जो भी चीज़ें हो रही हैं जो डिरे, जब डायरेक्टर आपको कुछ बता रहा है कि यार ये ठीक नहीं था ये करेक्ट था इसको करेक्ट करो और अगर क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि यार ये गड़बड़ था और ये अच्छा था और तो वो सारी चीज़ें आपको मतलब जितनी आपकी समझ है आपको अगर लग रहा है कि ये सही है तो उसको ठीक कीजिए अगर आपको आप उससे इतफाक नहीं रखते हैं तो ठीक है मतलब भाई तूने कुछ ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर दिया या मतलब कुछ पर्सनल ले रहा है भाई <laughs> तो वो या मतलब जनरली किसी को पसंद नहीं आई तो नहीं आई ठीक तो है ऐसा थोड़ी कोई मतलब ये है कि मैं हंड्रेड परसेंट लोगों को खुश करने आया हूँ दुनिया में <laughs> ना वो मुझे खुश करने आए वो अपना काम कर रहे हैं उनको नहीं जमी तो नहीं जमी मुझे भी कई फिल्में ऐसी नहीं पसंद आती हैं जो दुनिया भर को पसंद आती हैं तो वो तो ऐसा कुछ यहाँ पे कोई किसी की पर्स किसी कोई कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालता नहीं है किसी के आपके पास पर्सनल ग्रजेज नहीं है कि यार ये जो है ना इसको मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा ये कैसे आगे कर आगे अच्छा काम कर रहा है ऐसा कोई सोचता नहीं है आपके बारे में ना कोई आपसे अपना कोई जाति मतलब दुश्मनी निकालना चाहता है सब अपना काम ही कर रहे हैं तो काम के अंदर कुछ आ गया तो आ गया <laughs> तो आपने बताया कि 33 साल में थर्टी थ्री ईयर्स में जब आप थे तब फिर आपने एक्टिंग की तरफ आया उसके पहले भी आप कर रहे थे एक्टिंग कुछ 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 कर रहा था मतलब मैं एम में था जब एज ए राइटर काम करता था वहाँ पर चार साल तो वहाँ पर मैंने एम बकरा एक शो हुआ करता था हमारा कैंडेड कैमरा वाला वो मैंने कई शोज किए कई एपिसोड्स किए और मैं फनी स्पूफी शोज लिखा करता था तो जब मैं वो नरेट करता था तो वो कहते थे कि अरे यार, यार ये वाला कैरेक्टर तू कर ले <laughs> तो ऐसे करके सडनली मतलब एक्टिंग जो है ना वो मुझे ऐसे बैकडोर एंट्री मारी एक्टिंग एक्टिंग ने मेरी जिंदगी में और मैं बहुत इंजॉय करता था उसको अगर मतलब सैटरडे संडे छुट्टी हुआ करती थी एम में लेकिन जिस दिन मुझे एक्टिंग के लिए जा, जाना पड़ता था तो वो मेरे लिए एक और दिन छुट्टी हो जाती थी क्योंकि मैं इतना खुश होता था उस दिन कि यार आज मुझे एक्टिंग करनी है तो तब तो मैं सोचता था कि यार ये मुझे पहले क्यों नहीं रियलाइज हुआ कि यार ऐसा काम करो जो आपको लगे कि आप छुट्टी मना रहे हो hmm. तो आपकी ज़िंदगी भर वेकेशन है फिर तो बट वो समझने में और वो डिसीजन लेने में मुझे वक्त इसलिए भी लगा क्योंकि शादी भी हो चुकी थी फिर फैमिली बढ़ रही थी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है फिर आदमी कहता है कि कहाँ यार अभी एक्टिंग के लिए ऑडिशन वॉडिशन और ये सब और इतना अनस्टेबल अनस्टेबल है ये प्रोफेशन कि आप डरते हो बट एक दिन फिर सोच लिया कि यार जिंदगी में एक बार तो मौका देना है एक्टिंग को और फिर कूद पड़ा फिर तो जैसे आपने भी बताया कि आपको आपका पैशन था मतलब आपको एक्टिंग करनी थी फिर आपने उसे ऐसा प्रोफेशन चुन लिया जैसे हमें भी जर्नलिज्म मुझे भी जर्नलिज्म करना था और ये मेरा पैशन था कि मुझे जर्नलिज्म करना है फिर मैंने इसे अ प्रोफेशन मांगना फिर मैंने कई संस्थानों में काम किया कई ऑर्गनाइेशन में काम किया आप भी कई फिल्मों में काम कर रहे हैं तो किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि मतलब वो पैशन और प्रोफेशन के बीच की वो जो एक है एक रिलेशन है उसमें कभी कभी बोझल भी चीज़ें हो जाती हैं कि यार मतलब पैशन तो है लेकिन हमेशा पैशन नहीं रह पाता है कुछ चीज़ें आपने ऐसी की जिन्हें आपको करना था कि मतलब कर लिया कोई ऐसी स्टोरी थी जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट नहीं था लेकिन आपने कर लिया तो जब उस पैशन और प्रोफेशन के बीच में आप वो एक बारीक वो संबंध बनाते हैं तो वो कैसे मेंटेन करते हैं आप जो पैशन और प्रोफेशन को मेंटेन करने के लिए यार आप आ, क्या कहते हैं उसको आपको जो आपका काम है उससे बहुत प्यार होना चाहिए मैं मतलब एक्टिंग आक, को ना मतलब मैं बहुत जुनून की हद से प्यार करता हूँ क्योंकि एक एज के बाद जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी अच्छी खासी सैलरी थी सब कुछ कंफर्ट जोन में था मैं अच्छे खासे शादी भी हो चुकी थी घर ले लिया था सब कुछ हो गया था बट उसके बाद में मैंने सब छोड़ छाड़ के अगर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग करनी है तो आप सोच सकते हैं कि मैं उससे कितनी शिद्दत से प्यार करता हूँ तो अगर आपको जो प्रोफेशन आपने चुना है अगर आपको उससे प्यार है बहुत ज़्यादा तो फिर वो बैलेंस बनाना और प्रोफेशन और पैशन और वो ये सारे बैलेंस जो है ना वो इंसान अपने आप ढूंढ लेता है क्योंकि आप उससे बहुत बेानतहा मतलब प्यार करते हैं तो मेरा जो भी मैंने किया है अगर मैंने आ, ये भी किया कि यार ये पैसों के लिए कर लेता हूँ या वो कर लेता हूँ तब भी मैं मतलब उस वक्त भी मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्टिंग से प्यार है क्योंकि मुझे रोजी रोटी जो है ना घर पे वो मुझे एक्टिंग के जरिए चाहिए मैं कुछ और भी कर सकता हूँ मैं लिखता भी हूँ काफ़ी <coughs> लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे घर पे पैसा जो आए ना वो मतलब एक्टिंग से आए ठीक है किसी में मैंने बुरा मतलब रोल है मतलब जो मुझे पसंद नहीं पसंद, है नहीं उतना पसंद है वो मैं कर लूंगा लेकिन मैं कुछ और नहीं करूंगा <laughs> तो वो मेरे अंदर मतलब है बहुत बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरा है तो वो मेरे ख्याल से वो बैलेंस जो है वो अपने आप बना लेता है मेंटेन कर लेता है और उसे बनाने में मुझे दिक्कत नहीं होती है क्योंकि मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे खुशी देता है भले वो रोल या ये सब जो चीज़ें उनको मैं फिर साइड में कर देता हूँ एटलीस्ट मैं कैमरे के सामने हूँ मेरे लिए कैमरे के सामने होना बहुत ज़रूरी है <laughs> जो आपने नरिल का नरिल दलाल का किरदार जो निभाया है आपने उसमें आप जिस तरीके के हस्बैंड हैं सपोर्टिव और हर तरीके से आप उसमें आ, इसमें मैं थोड़ी सी अगर मैं इसको हाँ, आगे भी हाँ, बढ़ सकता हूँ तो ये जो बैलेंस मतलब मैं बनाता हूँ प्रोफेशन पैशन ये जो चीज़ें तो उसमें एक और चीज़ ये है कि जो मैंने कहा कि कुछ कई कुछ काम जो है जो मजबूरी में आदमी करता है कि यार चलो ये क्या कहते हैं पैसों की वजह से या किसी दोस्ती के चक्कर में भी यार इन्होंने बोला है तो अभी एक करना पड़ेगा कि उनको मना नहीं कर सकते या एक उनका एक अहदा है जो जिनको आप पसंद करते हैं उनको आप मना नहीं कर सकते तो वैसी जब चीज़ें आप करते हैं लेकिन आ, कई बार मेरे साथ में ऐसा भी हुआ है कि उससे भी मुझे फ़ायदा हुआ है अच्छा <laughs> हाँ तो मैं आ, मतलब क्या कहते हैं उसको जैसे असुर हाँ। मैंने जब आ, आ, जब उस शो को मैंने हाँ करा कर था तब मुझे इतना आ, मैं I was not sure. एक तो मैं फैमिली मैन कर चुका था और आ, आ, उसमें भी कॉप का कैरेक्टर था तो मैं सोच रहा था कि यार अभी मैंने फैमिली मैन किया है अभी फिर से कॉप करूं ना करूं और मैं डायरेक्टर साहब से भी मैं एक ही बार मिला था ओनी सेन साहब लेकिन जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और तनवीर बुक वाला जो प्रोड्यूसर थे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और वो इतना इंसिस्ट करे थे कि यार दिस इज योर रोल यू हैव टू डू इट मैंने पूरी स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी तो मैं पूर, एक पूरी तरीके से उनकी की यार ये बोल रहे हैं और वो उनके रिस्पेक्ट में और उनके भरोसे पे को मैंने मतलब क्या कहते हैं उस पर भरोसा किया भरोसा <laughs> हाँ और जब मैंने शूट शुरू किया काम करना शुरू किया तो जो मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा यार ये कैसे वो होंगे कैसा एक्सपीरियंस होगा वो मेरे लिए इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस बन गया इतना कमाल का हर दिन ऑन द सेट मैंने गुजारा है असुर के शूट पर कि मैंने वो पूरा आ, शूट बहुत इंजॉय किया और उसके बाद जब शो रिलीज हुआ जो उससे प्यार मिला वो तो अलग लेवल का इनफैक्ट जब सेकंड सीजन आया तो मुझे इतने मैसेजेस आए कि वी आर मिसिंग यू लोलाक सर ना। और वो लोलाक सर लोलाक सर सब लोग मुझे मैसेज करें तो वो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने ए, एक पॉइंट के लिए मैंने ये सोचा था कि, कि ये शुड आई डू दिस शो नॉट और मतलब थैंक गॉड कि मैंने वो शो किया और थैंक गॉड थैंक्स टू तनवीर बुखवाला मेरे भाई <laughs> और ओनी सर मतलब मैं तो और उसमें अर्शद सर के साथ काम करने का मौका मिला वरुण इतना कमाल एक्टर है मतलब बहुत बहुत मजा आया था रिद्धि तो मेरे लिए तो बहुत जो मैं सोच रहा था कि मतलब पता नहीं क्या होगा वो मेरे लिए एकदम अच्छा कमाल का एक्सपीरियंस साबित हुआ तो क्या इस भी और शुक्ला जिन्होंने लिखा है वो शो बहुत ही कमाल है कि आप एक मतलब एक सेट ऑफ रोल जैसे आपने भी कहा कि पुलिस वाले का ही किया था फिर तो क्या इस तरीके का रिपिटेटिव रोल्स करने से भी एक्टर्स बचते हैं या एक्टर्स बचते हैं हाँ, कि मतलब एक सेट ऑफ रोल्स हम ना करें या एक सेट पैटर्न में ही हमको ना देखा जाने लगे ऐसा भी होता है हाँ हाँ बिल्कुल होता है मैं इनफैक्ट uh, मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे तो स्टीरियोटाइप होने में भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे पुराने ज़माने में तो ऐसा भी होता था कि अगर एक कॉप है तो वही मतलब सौ फिल्मों में वो सिर्फ कॉप ही बनेंगे और कुछ नहीं बनते थे लेकिन लोग देखते थे उनको जैसे मतलब मेरे ख्याल से या, स्टीरियो टाइप होने के एक पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं क्योंकि आप एक ही किस्म का किरदार करें लेकिन अगर आप उसी किरदार को अलग तरीके से पेश करें तो वो भी एक वो भी कोई मामूली बात नहीं है उसके लिए भी मतलब बहुत मेहनत चाहिए बहुत डेडिकेशन चाहिए बहुत अपनी तरफ से उसमें वो क्या कहेंगे जुनून चाहिए उसको दोबारा करने का क्योंकि एक अलग मतलब सेम जैसे अगर आप बच्चन सर की फिल्में देखें एंग्री यंग मैन वाली जो उनकी इमेज थी उसमें उन्होंने कम से कम बारह पंद्रह फिल्में की हैं या उससे भी ज्यादा बट सारी जबरदस्त हैं सारी सुपरहिट्स हैं और सारी फिल्में आप देखते हैं तो आपको उतना ही मजा आता है जंजीर देखिए दीवार देखिए त्रिशूल देखिए काला पत्थर देखिए तो मतलब आपने कौन सी फिल्म में आप बोर हुए होंगे बिल्कुल वो मैं तो कह जैसे शाहरुख खान साहब हैं उन्होंने कितनी फिल्मों में रोमांटिक हीरो का रोल प्ले किया है और वो सारी ज़बरदस्त हैं सभी में आपने उन्हें उतना ही देखकर आप खुश होते हैं उतना ही इंजॉय करते हैं वो जितनी बार भी आप वो आज भी पच्चीस साल के बाद में भी जब वो हाथ ऐसे करते हैं तो आपका दिल खुश हो जा खुश हो जाता है तो मेरे ख्याल से तो स्टीरियो होना उतना बुरा भी नहीं है जो लोग काफ़ी कहते हैं कि यार मुझे ना सिर्फ अलग अलग हर फिल्म में मुझे अलग काम करना है मुझे तो वो वो भी मतलब आ, कोई गल, गलत अप्रोच नहीं है इनफैक्ट वो बहुत अच्छी चीज़ है बट मुझे इस टाइप होने से भी कोई दिक्कत नहीं है तो so, थैंकफुली मुझे किसी ने ज़्यादा सिमिलर रोल्स ऑफर नहीं किए तो so, मैंने जो भी मुझे मिले हैं किरदार वो अलग ही मिले हैं अफवाह में जो चंदन था वो तरला के नलिन दलाल से मतलब कोसू दूर है <laughs> <वी दौने। laughs> कोई मतलब उनका आ, वो कभी चलते चलते भी रास्ते में टकराए नहीं होंगे <laughs> तो तो मैं उस हिसाब से अपने आप को खुशनसीब भी मानता हूँ कि मुझे मिले ही अलग किरदार मुझे ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी और आ, मुझे फिर से कोई कॉप का कैरेक्टर मिलेगा मैं फिर से करूंगा आ, तो मुझे आ, और वो अगर सिमिलर जोन में भी होगा तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है वो दुनिया अलग होनी चाहिए <coughs> जैसे फैमिली मैन की दुनिया बिल्कुल अलग थी असुर की दुनिया बिल्कुल अलग है तो आप जो चुन रहे हैं वो मेरे ख्याल से अगर आप अलग अलग दुनिया का हिस्सा हो तो आप जो कहानी चुन रहे हैं जो किरदार आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो अलग हो और आपको कुछ करने के लिए आपको पढ़ते ही लगे कि यार ये करना है तो फिर वो आपको करना चाहिए चाहे वो आपने किसी और सीरीज में या फिल्म में किया है उससे मुझे लगता नहीं कि कुछ फर्क पड़ता है तो जैसे आपने जो ये तरला में नलिन दलाल का जो रोल प्ले किया है इसमें जिस तरीके के नलिन हस्बैंड दिखाए गए हैं जो बहुत सपोर्टिव बिल्कुल चाय जी प्लीज दीजिए <coughs> तो जो जिस तरीके के हस्बैंड दिखाए गए नलिन बहुत सपोर्टिव हैं <coughs> लेकिन एक पॉइंट पर जाकर के उनको भी ये रियलाइज हो जाता है कि यार कुछ तो है जो मेरा छूटता जा रहा है इस जर्नी में तो जब आप देखते हैं अपनी सोसाइटी को देख रहे हैं तो पहली चीज तो आप इस पर क्या बात कहना चाहेंगे कि नलिन जैसे लोग हैं आसपास आपको दिखते हैं या नहीं दिखते हैं पहले तो इसी भी बात कर लेते हैं आज की डेट में नलिन जैसे लोग फिर भी दिखते हैं मतलब बहुत ज्यादा नहीं दिखते हैं क्योंकि हम अभी भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हुए नहीं है मुझे ऐसा लगता है वो खाली ऊपर का वो दिखावा होता है जो ज्यादातर लोग बनते हैं प्रोग्रेसिव लेकिन जब खुद पे गुजरती हैं तो नहीं 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 मेरी बेटी ये नहीं करेगी या मेरी पत्नी वो नहीं करेगी लेकिन आ, मैं चाहता हूँ बट नलिन दलाल साहब ने कई सालों पहले वो चीज़ की जो उस जमाने में बहुत ही क्या कहेंगे उसको आ, सारे स्टीरियो को ब्रेक किया था उन्होंने इनफैक्ट जब पीयूष भाई जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो आ, उनकी फैमिली से मिले तबला मैम की तो उनकी जो बेटी हैं रेनू दलाल जी उन्होंने उनको बोला कि मेक श्योर कि मेरे मेरे फादर की कहानी आप ज़रूर बताएं आप मेरे मॉम के बारे में तो कहने ही वाले हैं बट मेरे फादर का जो कंट्रीब्यूशन है मेरी मॉम की ज़िंदगी में वो ज़रूर बताइएगा पूरी दुनिया को क्योंकि उसके बारे में लोगों को नहीं पता तो ये उन तो वो मतलब इम्पोर्टेंट उतना इम्पोर्टेंट था उनका कॉन्ट्रीब्यूशन तल्ला मैम की लाइफ में तो वैसा उस वक्त अपनी वाइफ को सपोर्ट करना उस ज़माने में जब लोग वाइफ को घर के बाहर कदम रखने भी नहीं देते थे तो वो मैं मैं मतलब मतलब समझता हूँ कि यार बहुत बड़ी बात है और उन्होंने वाकई मतलब ऐसा काम किया था कि जो पाथ ब्रेकिंग था और आज तो मैं चाहूँगा कि हर हस्बैंड जो है वो नलिन दलाल की उसमें सारी खूबियाँ होनी चाहिए सारी क्वालिटीज होनी चाहिए और मतलब मेरे लिए एक तो तरला का ये भी बहुत बड़ा मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है कि वो हस्बैंड हो वो वाइफ भी हो सकती है पार्टनर एक दूसरे दोनों को मतलब एक दूसरे के ऊपर भरोसा एक दूसरे के एम्बिशन के लिए रिस्पेक्ट और इनक्रेजमेंट होना चाहिए तभी मतलब वो एक रिश्ता जो है वो और ज़्यादा पुख्ता होता है और ज़्यादा मजबूत होता है मेरे मैं इस कहानी से और ज़्यादा इसलिए भी रेजोनेट करता हूँ क्योंकि जैसे तरला मैम ने भी बहुत लेट डिसाइड किया कि मुझे कुछ जो उन वो हमेशा कहती थी कि मुझे कुछ करना है और वो कुछ उन्हें बहुत लेट पता चला कि हाँ ये कुकिंग जो है ये है मेरी जिंदगी का कुछ और उन्होंने उसको फिर परस्यू करना शुरू किया और वो उसमें जुट गई पूरी तरह से मुझे भी काफ़ी लेट रियलाइज हुआ कि यार एक्टिंग मेरा कुछ है और मैंने जब मुझे पता चला तो मैं फिर नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ के मैं पूरी तरह से उसमें जुट गया और जब तरला मैम ने ये डिसीजन लिया तो उनको सपोर्ट किया उनके हस्बैंड ने पूरी तरह से मैंने जब ये डिसीजन लिया मेरी वाइफ ने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया और तो ये सारे पैरेलल्स मुझे उस कहानी के साथ में मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते थे इस वजह से भी तरला मेरे लिए बहुत ख़ास है और मेरे हिसाब से मेरी बेगम ने मुझे बहुत आउट ऑफ द वे जाकर और मतलब हर कदम पे मेरे जितने भी मतलब तकलीफें आई और ये डिसीजन ही लेना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और उसमें उन्होंने मेरा हंड्रेड परसेंट सपोर्ट दिया तो मैं चाहूँगा कि हर पार्टनर को मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि हर हस्बैंड को हर पार्टनर को अपने दूसरे पार्टनर के एम्बिशन्स को ड्रीम्स को पैशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए उसको बढ़ावा देना चाहिए उनको पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए और आ, बस मतलब वो तब मतलब जुड़ाव जो है ना आपके पार्टनर की कामयाबी में जो आपको खुशी मिलेगी ना वो अलग लेवल की होगी जब आपने डिसीजन लिया कि नहीं अब मुझे एक्टिंग में करना है जब वो आप छोड़ रहे थे नौकरी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होंगी एंग्जाइटी होंगी कि भाई पता नहीं क्या होगा चलेगा नहीं चलेगा ये तो नहीं पता था तो उसमें तो कई सारे लोग और भी इन्वॉल्व हो रहे होंगे ना इस प्रोसेस में कि सिर्फ़ आप और आपकी वाइफ थी और आपने डिसाइड किया मतलब उस चीज़ को मैं समझना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं लेकिन उसको से बाहर नहीं आ पा रहे हैं वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो डर हैं कि क्या होगा सक्सेस होगी नहीं होगी जब आप ये डिसीजन लेने पर पहुंच गए और आपने ले लिया तो कैसे लिया ये पूरा मतलब कैसे आप इस निर्णय तक पहुंचे कि नहीं भाई नहीं करना है और सब मैनेज हो जाएगा पता नहीं यार कुछ एक जुनून सवार हो गया था कि यार अब अगर कोशिश नहीं की तो कभी कोशिश कर नहीं पाऊंगा वैसी उम्र गुजरती जा रही है और एक आ, मतलब पता नहीं पागलपन सवार हो गया था <laughs> और सबसे डिस्कस भी किया सारे अगेंस्ट थे उस डिसीजन के नितिन जो मेरे फिल्मिस्तान के डायरेक्टर हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अभी भी हैं और उन्होंने मुझे बोला था कि यहाँ देखो करना चाहिए ये कौशिक बगानी मेरे एक और दोस्त थे जब वो एमटीवी में हम साथ में काम करते थे तो कौशिक ने भी बोला था कि तुझे करना चाहिए और मेरी बेगम नसरीन ने मतलब पूरी तरह से मुझे बोला कि अगर यही आपका पैशन है और यही मतलब करना है लाइफ में और इसी को मतलब लेके आगे बढ़ना है तो फिर आई एम सपोर्टिंग यू हंड्रेड परसेंट तो फिर जब वो सपोर्ट मिला तो फिर मतलब सब छोड़ छाड़ के लग गया काम पे ऑडिशंस शुरू कर दिए डेली बेसिस पे रिजेक्शन भी शुरू हो गए <laughs> और मज़ा भी आ रहा था और मैं ऑडिशन्स में भी मैं मैं मतलब मुझे तो मतलब जब मैं ऑडिशन करने जाता था तो मैं उसे भी इंजॉय करता था बहुत और इन ऑडिशन इज एन इन्जॉयबल प्रोसेस क्योंकि मैं जब जाता था ऑडिशन पे तो मैं ये सोच कर जाता था कि अगर दो दो कॉल्स हैं ऑडिशन के या तीन हैं कि आज मैं तीन काम करने जा रहा हूँ आज मुझे तीन कैरेक्टर्स निभाने का मौका मिल रहा है और मैं उसे पूरी शिद्दत के साथ में जितना मैं को, को, कोशिश कर सक कर, अपनी Uh, क्या कहते हैं कैपेसिटी में मैं उसको जितना बेहतर करने की कोशिश कर सकता था करता था और उसी में मैं धीरे धीरे मुझे इनफैक्ट ऑडिशंस से मेरी एक्टिंग काफ़ी इम्प्रूव हुई है क्योंकि मेरी कोई फिल्म मेरी कोई एक्टिंग uh, का मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है ना मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है ना मैंने थिएटर किया है ना स्कूल कॉलेज में ना बाद में जो ये एम में थोड़ा बहुत हम स्पूफी फनी शोज करते थे वो था और उसके अलावा कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास और लेकिन ऑडिशंस के दौरान जब मुझे जब मैं कोई एक टेक जब हम हमें देता था और कास्टिंग डायरेक्टर बोलते थे नहीं नहीं ऐसा कुछ कर वैसा कुछ कर और वो कुछ और अप्रोच बताते थे तो दिमाग खुलता था कि अरे यार, यार ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको ऐसे भी ये मैंने क्यों नहीं सोचा तो अपने आप धीरे धीरे जैसे एक्टिंग ऑडिशन देना ना वो रियाज है एक्टर के लिए क्योंकि आप फिर रोज जब आप चार ऑडिशन देने जा रहे हो तो आप अपना हुनर जो है आप उसी उसके साथ में होन कर रहे हो आप और उसको निखार रहे हो जैसे आप रोज सुबह बैठ के अगर एक म्यूजिशियन है या सिंगर है तो वो जब बाजा लेके रियाज करते हैं तो वो अपना अपना टैलेंट और ज्यादा निखार रहे हैं अपने हुनर को और निखार रहे हैं तो हम हमारे लिए तो यही हमारा हारमोनियम जो है वो ऑडिशन है <laughs> और उसी से जितना हम अपने आप को निखार पाते हैं निखारते हैं तो वो उस दरमियान जो रेट था सक्सेस रेट रिजेक्शन रेट वो कैसा था वो बहुत भयंकर था सक्सेस रेट तो वन परसेंट था उसमें तो वो कैसे डील कर रहे थे उन सब चीजों से क्योंकि आप एक बहुत बड़ी चीज स्टेक पे लगा के आए थे अच्छी खासी नौकरी छोड़ना बहुत बहुत बड़ा डिसीजन है तो फिर बहुत मैं क्या बताऊं मैंने वो काफी मुश्किल दौर था मेरे लिए क्योंकि ये रिजेक्शन तो ठीक है मैं उसको उतना दिल पर लेता नहीं था लेकिन उससे कि जब पैसे ख़त्म होने लग जाते हैं तो वो थोड़ी दिक्कत होती है बहुत लेकिन डेली बेसिस पर जब आप लोग आपको ना सुनना पड़ता है ना तो वो बहुत वो भी आपके आपको मेंटल उस पर असर कर सकता है बट थैंकफुली मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव किस्म का इंसान हूँ और मेरे आसपास जो लोग हैं वो बहुत पॉजिटिव रहे हैं तो उन्होंने मुझे उस दौर से जो है ना वो पूरी तरह से बचाया और मेरे में कुछ तो एक भरोसा था खुद पर कि ये यार मैं हूं तो बहुत खतरनाक टैलेंटेड बस अभी लोगों को पता नहीं चल रहा है <laughs> एक आज नहीं तो कल मालूम पड़ ही जाएगा और uh, मतलब अपना टाइम आएगा भाई वो मतलब एक था कुछ कि uh, एक एक मैंने कमल हासन साहब का एक इंटरव्यू देखा था uh, उसमें उन्होंने कहा था कि आई एम माय बिगेस्ट फैन क्योंकि मैं वो पहला इंसान हूं जिसने आईने में देखकर बोला था कि यार इस बंदे में कुछ बात है तो वो मुझे भी लगता था कि यार वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ये नहीं कि मैं अप, अपना फैन हूं लेकिन आपको अपने काम पे कि हाँ मुझे ये काम आता है और बहुत अच्छे से आता है इसका भरोसा आपको तो होना बहुत जरूरी है अगर वो आप में नहीं है तो सामने वाला आप पे भरोसा कभी नहीं करेगा तो वो मुझ में था और मुझे था कि यार बस ये होने ही वाला है होने वाला, है। वाला है। आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों होगा ही बस वो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम लेकिन वो टाइम कब होगा ये आपके आपको पता नहीं होता तो है। कितना वक्त लगा गाड़ी चल गई ये फील होने में कि हाँ भाई अब तो हो गया यार ये बहुत काफी वक्त लगा एक्चुअली उसमें मतलब एक पॉइंट आया था जब तीन साल तक तो मुझे मैंने जब ऑडिशन देता रहा तो एक एड मिला उसमें मुझे और एक शॉर्ट फिल्म की थी जिसके पैसे नहीं मिले थे अच्छा <laughs> उसके अलावा कुछ काम नहीं मिला इक्का दुक्का बट मेरी फैमिली थी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इतनी सारी तो वो आ, उसको निभाने के चक्कर में मतलब मेरी सेविंग्स तो खत्म हो गई ऊपर से एक मिनट <laughs> तो <clears throat> क्या कह रहा था मैं हाँ, सेविंग्स मेरी खत्म हो गई हाँ, मतलब तो सेविंग्स तो मेरी खत्म हो गई और शॉर्ट फिल्म के पैसे भी नहीं मिले और पैसे उन्होंने पहले से ही कहा था नहीं देंगे तो उसमें पैसे हाँ। शॉर्ट फिल्म लोग ऐसे ही करते हैं हम उस जमाने में तो वैसे ही होता था अब मतलब लोग पैसे, मन पैसे के, लिए के लिए कर रहे हैं हाँ अपने मन के लिए कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट फिल्म जो है एक शोरियल टाइप होती है कि यार इसी बहाने आपका कुछ काम दुनिया देखेगी या दुनिया तक अगर पहुंचेगा तो तीन साल तक जब मैं कुछ काम नहीं आया साथ में पास में तो मुझे फिर से दोबारा नौकरी करनी पड़ी क्योंकि इतने कर्ज़े चढ़ गए थे कि जिन जिन से मैं पैसे मांग सकता था उनसे मैंने मैक्सिमम उधार ले लिया था अब मैं और किससे पैसे लूँ कोई चारा नहीं बचा था तो मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़ी और मैंने एक चैनल ज्वाइन किया यू टी बिंदास एज़ ए प्रोग्रामिंग और uh, फिर गाड़ी चल पड़ी अच्छे से बट तीन चार महीने हुए थे कि मुझे शानू शर्मा जी का फोन आया जो वाई एफ की कास्टिंग डायरेक्टर हैं और उन्होंने मुझे उन्होंने वो शॉर्ट फिल्म देखी जिसके मुझे पैसे तो नहीं मिले लेकिन उसने मुझे बहुत कुछ दिया है और वो फिल्म वैसे ही मेरे दिल के बहुत करीब है कि बहुत प्यारी फिल्म है नाम बताया मेहरूनी उसका नाम है यूट्यूब पर अवेलेबल है मैं बहुत वो मेरे बहुत स्पेशल फिल्म है और आप लोग भी अगर जब देखेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पसंद आएगी वो फिल्म तो वो उन्होंने फिल्म देखी और मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया जब तक है जान के लिए और उसमें मैंने ऑडिशन दिया मैं सेलेक्ट हो गया और उसी दौरान फिल्मिस्तान नितिन और मैं मिलकर लिख रहे थे और नितिन को एक प्रोड्यूसर मिल गए तो उन्होंने मुझे ऑडिशन देने के लिए कहा मेन लीड के लिए मैंने वहाँ ऑडिशन दिया उसमें भी सेलेक्ट हो गया तो ऐसे जब मैं एकदम पूरी तरह से थक हार गया था एकदम से ये दो बड़े बड़े काम मुझे यश जी की फिल्म में एक इतना खूबसूरत कैरेक्टर मिला फिल्मिस्तान जिसमें मैं मेन लीड मैंने निभाई वो मिली तो जो आप कह रहे थे ना कि ऊपर वाले पे क्यों भरोसा और क्या कौन सी चीज़ें आप उन्होंने की ये एक मतलब मेरे लिए मैजिक था ये ये चमत्कार से कम नहीं था मेरी ज़िंदगी में कि जब मैं तो ख़त्म हो चुका था और मैं एक नौकरी कर ली थी मैंने और रोज़ वहाँ पर मैं मन मार के जा रहा था रोज़ अपने आप को कोसता था कि मैं उसके बदले में दस ऑडिशन के रिज, रिजेक्शन बर्दाश्त करने को तैयार था अच्छा उस मोमेंट पर भी उस मोमेंट पर भी लेकिन वो मुझे करना इसलिए पड़ रहा था क्योंकि पैसे पैसों की पैसे खत्म हो गए थे एकदम थे ही नहीं तो जब आपने फिर से ज्वाइन कर लिया था उस वक्त मतलब आपको क्या तब भी होप बची थी आपके पास कि नई मैटिंग करूंगा क्योंकि 3 साल बहुत लंबा वक्त होता है शरीफ भाई उम्मीद तो थी क्योंकि लेकिन मैं अपने सपनों की वजह से ना अपनी फैमिली को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था क्योंकि एक पॉइंट के बाद में यार कुछ भी हो मतलब फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है आप और उन्होंने मेरा इतना साथ दिया इतना सपोर्ट किया है कि मैं फिर यार अब और कितना सेल्फिश हो <laughs> तो मुझे नौकरी करनी थी और वो भले मैं मन मार के रहा था लेकिन अब वो उस वक्त तो तो और कोई चारा नहीं था बिल्कुल ये दिमाग में था कि अगर कुछ मौका मिला ऐसा तो मैं वो हाथ से जाने नहीं दूंगा लेकिन अब मैं उसको आ, अब मैं रोज़ ऑडिशन पर नहीं जा पा रहा था जिसका मुझे इतना अफसोस होता था कि यार एक फ़ोन भी आया कि यार यहाँ पर आ सकता है क्या और मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी उन्होंने यार नहीं आ सकता यार तो वो मुझे रोज़ मैं कुड़ता था इतना डेली ऑफिस जाने में और मेरा बिल्कुल मन नहीं था मेरी बॉस भी मुझे कई बार सुनाया करती थी कि यार शारिफ आर यू डूइंग यार ये वो <laughs> अभी क्या बोलती हैं? अभी तो बात हुई नहीं अभी टच में नहीं है लेकिन लेकिन जब मैंने जो मेरी इमीडिएट बॉस थी वो बहुत खुश हुई थी जब मुझे ये दोनों फिल्में मिली तो मैंने उनसे जब बोला कि मुझे लीव चाहिए मैं क्योंकि मैं इतना डरा हुआ था कि मैं नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था <laughs> तो मैंने छुट्टी मांगी और दोनों की शूट एक साथ ही आई तो डेढ़ महीने की छुट्टी मुझे चाहिए तो उन्होंने बोला कि अरे अगर दिस इज मतलब हैपनिंग एंड दिस इज योर पैशन यू शुड डू इट छुट्टी ले लो बट जो मेरा जो मेरे जो मेन बॉस थे बिजनेस हेड थे उन्होंने मना कर दिया उन्होंने कहा कि यार या तो अभी तो तुमने ज्वाइन किया तीन महीने ही हुआ है और उसके बाद डेढ़ महीने की छुट्टी मांग रहे हो तो मैंने कहा मुझे अनपेड लीव दे दो मुझे पैसे मत देना सैलरी मत देना इतनी टाइम की बोला तो नहीं अभी बहुत काम है यू कांट क्योंकि उन्होंने ही मुझे वहाँ पर रखा था और मेरे दोस्त थे बहुत अच्छे तो मैंने बोला यार यश जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और मुझे मतलब एक फिल्म मिल रही है मेन लीड में तो उस तो उसने कहा तो उन्होंने कहा कि भाई क्या तो तू तो एक्टिंग कर ले या नौकरी कर ले तो मैंने डिसाइड किया कि भाई ये नौकरी तो नहीं करनी है एक्टिंग कर <laughs> तो अभी उस डिसीजन पे जब आप सोचते हैं तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं और फिर आप उस निर्णय को याद कर रहे हैं तो अभी क्या फील होता है उस वक्त अभी लगता है कि मैंने अगर ज़िंदगी में कोई सही फैसला लिया है ना तो वो वो था <laughs> मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन एक फिल्म और आई बहुत ही ख़ास अफवाह फिल्म है और जिस तरीके की अफवाह आजकल हम देख रहे हैं अपने आसपास वो वही बेस्ड है उसमें आपने चंदन का किरदार निभाया है तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ उसमें आपने काम किया है और कैसा रहा पहली बात तो उनके साथ काम करने का अनुभव बहुत ज़बरदस्त इतने प्यारे इंसान हैं ना वो कि मैं क्या बताऊँ मैं तो मैं चा... हमारे बहुत ज़्यादा दिन नहीं थे मुझे एक ऐसी फिल्म करनी है जिसमें मतलब हम महीना दो महीना एक <laughs> प्रोजेक्ट में लगे हैं और बहुत ज़्यादा बातें हो रही है ज्ञान भी हो रहा है और मस्ती भी हो रही है और मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ कितने दिन का था ये ये मेरे कुछ पंद्रह से बीस दिन के आसपास का मेरा काम था अठारह बीस दिन का जिसमें से नवाज भाई के साथ में कुछ पाँच छः दिन या सात आठ दिन था <coughs> तो वो मुझे बहुत कम लगे दिन <laughs> मैं चाहता था कि बस ज़्यादा हो बहुत बहुत कमाल के एक्टर हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत <laughs> नहीं है बट वो इंसान भी बहुत ही प्यारे हैं और हमने बहुत अगर किसी दिन थोड़ा लेट कॉल टाइम होता था कि पाँच बजे छः बजे अगर जाना है तो उनके रूम में मैं नवाज भाई सुमित व्यास वो भी बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं और बहुत ही प्यारे इंसान हैं तो हम तीनों मिलके फिल्मों के बारे में बात करते थे परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करते थे गप्पे मारते थे जोक मारते थे बहुत मज़ा आता था मतलब मैंने बहुत इन्जॉय किया उनके साथ काम करना और पूरी फिल्म के बाद कैसा क्या रिस्पॉन्स आए आपके पास अफवाह क्योंकि अफवाह भी आ, एक तरीके से देखा जाए तो सोशल इशू पर ही बनी फिल्म है जैसे इसमें भी आप देखेंगे तला दलाल तो तरला फिल्म में भी जो मतलब तो मैसेज है वो बहुत बड़ा है सोसाइटी के लिए भले वो किसी एक पर्सन सेंट्रिक मूवी हो हाँ। अफवाह भी मुझे इसी लीक की फिल्म लगती है जो एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है किस तरीके से आज अफवाह किसी की जान भी ले सकती है तो पहली बात तो कि ये फिल्म जब आप कर, करना आपने चुना तो क्या ये मैसेज भी आपके जहन में था कि नहीं ये एक अच्छे इशू पर फिल्म है था ही बट मेरे लिए तो इसके लिए एक नहीं मतलब बहुत सारे रीजन थे और बहुत बड़े बड़े रीजन थे सबसे पहली सबसे पहला रीजन तो सुधीर मिश्रा <laughs> मतलब अगर वो तो मुझे खाली यार शारीफ यहाँ से फ्रेम से गुजर जाना ऐसा ही अगर बोल देते ना तो मैं तो उसके लिए भी चला जाता और उन्होंने इतना जबरदस्त किरदार मुझे ऑफर किया और उस किरदार में देखा मुझे मतलब वही मैं मतलब उसके लिए मतलब शुक्र गुजार हूँ उनका सुधीर मिश्रा साहब ने मुकेश यावरा भाई ने और मुझे मतलब इस कैरेक्टर के लिए चुना मैं मतलब बहुत शुक्र गुजार हूँ सच में क्योंकि और पहले जब मुझे मुकेश यावरा भाई का फोन आया कि आ ये एक फिल्म है और इसमें ये रोल है सुमित व्यास का राइट हैंड टाइप का एक कैरेक्टर है तो मैं सोच रहा था कि मैं सुमित व्यास का राइट हैंड कैसा लगूंगा मतलब और ये राइट हैंड टाइप का वाला कैरेक्टर यार क्या होगा पता नहीं मैं अब लेकिन सुधीर सर की फिल्में मतलब तो मिलना तो पड़ेगा जाके और ये और जो जो मोटा मोटा उन्होंने बताया मुझे लेकिन आ, मैं एक्साइटेड भी था अनुभव सिन्हा सर प्रोड्यूसर हैं मतलब बहुत ये तो इतना कमाल प्रोजेक्ट नवाज साथ में नवाज भाई हैं भूमि है तो मतलब सब कुछ लेकिन जब मैं वहां पहुंचा और सुधीर सर ने जब कहानी सुनाई तो स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने फिर मैंने कहा यार ये तो चंदन तो बहुत ही जबरदस्त है ये मुझे मिल कैसे रहा है तो मैं तो बहुत खुश हो गया और आई एम रियली ग्लैड दैट आई डिड अफवा और अफवाह मेरे मतलब बहुत ही पसंदीदा किरदारों में से एक है और जो प्यार मुझे उससे मिला है मतलब ए, क्योंकि अभी पहले जो थिएट्रिकल रिलीज हुआ था उसके बाद जब ओ टी पर आई तो एक हफ्ते के गैप में पहले अफवाह आई और उसके एक हफ्ते बाद तरला आई तो मुझे एक मैसेज अफवाह का आता था एक मैसेज तरला का आता था ऐसे मतलब अफवाह का प्यार भी धीरे धीरे बढ़ रहा था और तरला से भी प्यार मिल रहा था तो वो मेरे लिए और दोनों बिल्कुल अलग किरदार हैं और वो बैक टू बैक एक तरीके से आए तो इतना मतलब मुझे प्यार मिला है इन दोनों फिल्मों से कि मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ हिस्सा होने का मौका मिला है, जो बहुत भी है जरूरी भी हैं और जिन्होंने जिनसे मुझे क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी मिला है अपनी फिल्में खुद देखते हैं बिल्कुल बिल्कुल देखता हूँ डायरेक्ट तो <laughs> और तर तरला की स्क्रीनिंग जब हुई थी तब पहली बार देखी थी अफवा की भी जब स्क्रीनिंग हुई थी तब पहली बार देखी थी मैं ज़्यादा नहीं देखना चाहता अपना काम क्योंकि फिर वो आ, लेकिन तरला घर पर एक दोस्तों के साथ में एक स्क्रीनिंग रख, मतलब हम साथ में बैठ के हमने एक आ, शो उसका ऐसी इन्जॉय किया था और आ, मैं एक बार देखता हूँ उसके बाद वापस नहीं देखता उस काम को क्योंकि एक बार देख के समझ में आता है कि कहाँ गड़बड़ हुई है यार कहाँ और अगर वो जो गड़बड़ वाला चीज वापस आता है ना तो अरे यार ये वह, वही पूछना चाह रहा था मैं कि जब आप देखते हैं तो क्या फिर से उसको मतलब कर पाते हैं रिव्यू की यार ये चीज थोड़ा और ऐसे कर लेना चाहिए था अरे भाई फिल्म देखते वक्त क्या जब हम शूट करके निकल रहे होते हैं कई बार शॉर्ट चेंज भी होता है उसी वक्त तब लगता है कि अरे यार एक टेक और ले लो यार यहाँ पे यार मुझे वो करना था तो आप तो रोज़ इवॉल्व हो रहे हो आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो तो जब फिल्म बनकर आती है तब तक तो, तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा और ज़्यादा इवॉल्व हो जाते हो तब तो और खामियां नज़र आती हैं अपने काम में तो तो आ, ये तो मतलब मेरे ख्याल से सारे क्रिएटिव लोगों के साथ में ऐसा होता होगा आई एम श्योर कि यार ये भी कर सकते थे वो भी कर सकते थे ये एक चीज़ जो है वो थिएटर की बड़ी खूबसूरत चीज़ है क्योंकि फिल्म के अंदर जो है वो छप गया वो छप गया वो अब जिंदगी भर वही रहेगा वही देखना है अब देखना है तो देखो वरना मिट्टी पाओ लेकिन थिएटर में आपने कुछ परफॉर्म किया और आपको लगा कि अरे यार ये तो रह गया जब शो खत्म हुआ बोला तो ठीक है मैं अगले शो में उसको करूंगा तो आपके पास वो मौका होता है इट्स एन इवॉल्विंग आर्ट जिसमें आप हर अपनी ही परफॉर्मेंस को रोज आपको निखारने का मौका मिलता है आपके चार शोज हैं तो आपका हर चारों शो में आपका अलग परफॉर्मेंस होता है किरदार वही है कहानी कहानी वही है सीन्स वही हैं डायलॉग्स वही हैं लेकिन आप उसको हर शो में अलग तरीके से परफॉर्म करते हो तो ये उसकी एक खासियत है थिएटर की जो और वो एक एक्टर एक एक के लिए एक सारी मतलब एक वो है क्या कहते हैं उसको दोबारा करने का कि यार इसमें मैं ना वो जो उस दिन रह गया था उसको मैं और ठीक करूँगा इम्प्रोवाइज या बेटर या करेक्ट तो तो कौन सा कैरेक्टर अभी तक जो आपने प्ले किया वो सबसे ज्यादा किस मतलब शारीबाशमी को किस किस कैरेक्टर की वजह सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि जान पहचान मतलब जान जाना लोगों ने और बहुत ज़्यादा पसंद किया है मतलब इतने कितनी फिल्में आप कर लीं अब तक सबसे ज्यादा प्यार जो मिला है वो तो जेके के लिए ही मिला है फैमिली मैन उसने तो मेरी जिंदगी बदली है पूरी तरीके से और उसके पहले फिल्मिस्तान क्योंकि फिल्मिस्तान से तो मेरा मतलब एक तरीके से करियर का आगाज़ हुआ उसके पहले जब तक है जान आई थी उससे भी अप्रिसिएशन मिला था लेकिन जब फिल्मिस्तान आई तो वो मतलब आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री ने वो फ़िल्म देखी और काफ़ी फेस्टिवल्स में गई थी और वो और कुछ फेस्टिवल्स में मैं भी गया था और जो वहाँ पर रिस्पॉन्स था जो ऑडियंस का प्यार था वो मतलब मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता वो उसको एक्सपीरियंस करना मतलब इतना मैजिकल था मेरे लिए जादुई था वो बहुत तो आ, फिल्मिस्तान से जो प्यार मिला है वो अलग लेवल का था और मैं नॉमिनेट हुआ था जब फिल्म रिलीज हुई थी तो सारे अवार्ड्स में स्क्रीन अवार्ड मुझे मिला भी था आ, बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल के लिए और आ, फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था तो फिल्मिस्तान से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिला क्रिटिक्स से और जिन लोगों ने देखी ऑडियंस उसकी कम थी आ, लेकिन जिन्होंने भी देखी है वो फिल्म उन्होंने उसे मतलब सर आंखों पे बिठाया है ऐसे भी नहीं कि पसंद करते हैं ये वो वो मतलब उसके बारे में आ, क्या कहते हैं उसको पोथियाँ <laughs> लिख दिए उन्होंने तो लेकिन मैं घर घर में मुझे जिस किरदार ने पहुंचाया वो जेके है <laughs> जेके से जो मतलब मोहब्बत मिली है जो प्यार मिला है जो पहचान मिली है वो बहुत अलग लेवल की है तो जेके की भी कहानी बताइए कि कैसे आ, फैमिली मैन का जेके तलपड़े का जो रोल था वो कैसे पहुंचा आप तक जेके आ, भी मुझे मुकेश आबरा भाई के जरिए मिला मेरी लाइफ में उनका बहुत बहुत करियर में उनका बहुत बड़ा योगदान है मुकेश भाई थैंक यू सो मच <laughs> <laughs> तो वो आ, मुझे फैमिली मैन के लिए और फैमिली मैन का ऑडिशन मुझे उस वक्त मिला था जब मैं बहुत करियर वाइज बहुत ही लो फेज में था अपने मतलब एकदम कि यार ऐसा भी टाइम था वो कि फिर से फैमिली से प्रेशर आने लगा था रिश्तेदारों से कि यार इसको समझाओ अब कुछ तो मतलब कर ले अब हो गया जितना हाथ हाथ पैर मारने थे फिल्मिस्तान के बाद में ये हुआ है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफदायक था क्योंकि फिल्मिस्तान के पहले तो मुझे वो सक्सेस मिली नहीं थी लेकिन फिल्मिस्तान ने जो भी थोड़ी बहुत सक्सेस उससे जो मैंने चखी थी उसके बाद जब फिर से काम एकदम से गायब हो गया तो वो मेरे लिए और ज़्यादा शॉकिंग था और उसके साल दो साल तीन साल हो गए तो फिर ऑडिशन हो रहे हैं फिर रिजेक्ट हो रहा हूँ तो मुझे लग रहा था कि क्या हो मतलब लाइफ में क्या चल क्या रहा है और उस दौरान फैमिली मैन का ऑडिशन आया और मेरे पास उस वक्त कुछ मतलब ये था कि बस और कुछ महीने और ट्राई कर लो छः सात आठ महीने ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाद में कुछ ऑप्शन और देखना पड़ेगा शायद मतलब ये मुझे भी पता था क्योंकि अब फिर से पैसे ख़त्म हो रहे थे फिर से कर्जे चढ़ने लग गए थे तो फिर फैमिली मैन का जब मैंने ऑडिशन दिया वैभव विशांत जो मुकेश भाई के उस वक्त एसोशिएट थे उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और आ, मुझे बहुत मज़ा आया और लगा जब ऑडिशन के एक अच्छा ऑडिशन होता है तो आपको एक अंदर से खुशी होती है कि हाँ यार आज कुछ कड़क हुआ है और और जब एक अच्छा ऑडिशन होता है तो आप फिर एक कॉल की उम्मीद भी आ लगने लगती है कि यार एक अब कब आएगा कॉल फील आ जाता है ऑडिशन हाँ, के बाद ही कि हाँ ये हो गया ये हो गया लेकिन हमेशा आपको जो लगता है वो हमेशा ऐसा होता नहीं है और कई बार आप सेलेक्ट होते हो और शॉर्टलिस्ट भी होते लेकिन आखिर तक पहुँचना कुछ ना कुछ वो हो जाता है तो वो उसी उम्मीद में था कि यार कब फोन आएगा आएगा नहीं आएगा और कभी कभी जब इतनी अच्छी चीज़ होती थी तो आ, भले मैं काफ़ी पॉजिटिव इंसान हूँ और बहुत आ, मतलब भरोसा भी खुद पर है लेकिन जब इतने सारे रिजेक्शन होने के बाद मैं ना एक पॉइंट पे आ जाता है कि यार ये इतना अच्छा है कि ये नहीं होगा कोई चीज़ जब आपके सामने इतनी बढ़िया आती है ना मैं तो एक क्या कहते हैं उसको एक डायरेक्टर से मिलने गया बहुत बड़ी फिल्म थी वो और जब मैं उनसे मिलने गया उन्होंने मुझे नरेट किया और और एक बहुत प्राइमरी पार्ट उन्होंने मुझे बोला कि आई वांट यू टू डू दिस फिल्म दिस पार्ट तो मैं तो बहुत खुश हो गया फिर उन्होंने कहा लेकिन ना वो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इसका ऑडिशन देखना चाहते हैं तो मैंने बोला यानी कि ये भी नहीं होगा <laughs> तो तो ऐसा और मैं बाहर निकल के मैं बहुत रोया भी पता नहीं क्यों और कई बार जब बहुत अच्छी चीजें ऐसी होती थी ना तो मतलब अचानक ही मुझे लगता था कि यार ये होगा नहीं होगा ऐसी सडनली ये दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू ऐसी वाली चीज़ें आने लगती थी <coughs> तो फैमिली मैन को लेकर भी वही चीज़ थी वही असमंजस था कि ये होगा नहीं होगा या या फिर से कोई और चीज़ देखूं अभी या और ऑडिशंस ढूंढूं लेकिन फिर फोन आया दस दिन बाद <laughs> और मुझे मैं राजन डीके के ऑफिस में गया मुझे डीके साहब मिले उन्होंने कहा कि भाई जैसा हमने सोचा था वैसा तो तुमने नहीं किया लेकिन जैसा तुमने किया वो हमें अच्छा लगा <laughs> और जो कैरेक्टर का नाम पहले घोष था बंगाली था वो अच्छा तो उन्होंने कहा कि यार उनको हमको ये बंगाली कैरेक्टर नहीं है आई वी डोंट वांट यू टू यू पुट पुट ऑन अ फेक एक्सेंट या और तुम बंगाली लगते भी नहीं हो <laughs> तो कौन सा कौन से रीजन में तुम अपने आप को फिट कर सकते हो मैंने कहा मैं पंजाबी टाइप कुछ कर सक कर सकता हूँ बोला तो नहीं यार पंजाबी तो बहुत लोग करते हैं और क्या कर सकते हैं तो मैंने कहा कुछ यूपी साइड में कुछ कर, कुछ करें तो मैंने कहा यूपी तो तिवारी ऑलरेडी है हाँ। <laughs> तो मैंने बोला फिर मुस्लिम मुस्लिम का मुस्लिम में पाशा है जोया है ये दो मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं तो मैंने कहा मैं मुंबई में पैदा पला बड़ा हूँ मराठी भी बोल लेता हूँ तो बोला हाँ हाँ तो उन्होंने फिर उसको

रिलीज़ हुआ लॉन्च हुआ जब स्ट्रीम होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और जब सेकेंड सीज़न आया तो वो अलग पीक पे पहुंचा, और उसने जो बूस्ट दिया मेरे करियर को वो भी बहुत आ, कमाल का था फिर एक तो फैमिली मैन के बाद असुर आया असुर के बाद स्कैम स्कैम के बाद सीजन टू और फिर ग्रेट इंडियन मर्डर तो सभी से मेरा मतलब लोगों ने काम पसंद किया मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसे आ, ऐसे शोज का हिस्सा होने का मौका मिला मुझे और इतने दिग्गज फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिला हंसल सर सर मतलब सुधीर सर मतलब मैं तो बहुत मतलब अभी आईम अ हैप्पी स्पेस पीयूष गुप्ता ने इतनी प्यारी फिल्म बनाई मतलब मैं मतलब मैं आई कांट थैंक हिम फॉर गिविंग मी नलिंद तो ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं अभी जो हमारे सामने है, शारे भाषमी हैं वो हम फिल्म कर रहे हैं सब ठीक चल रहा है हैप्पी वाला लेकिन उसके पीछे का जो इतना संघर्ष है और जो लगातार होता रहा मतलब एक बार चीज़ें हुई और होने के बाद फिल्मिस्तान के बाद तो फिर इस, इस मेरे हिसाब से काम शुरू हो जाना चाहिए था क्योंकि जिस हिसाब से उसका क्राफ्ट है फिल्म का और वो उससे विजिबल है, देखी है हाँ मैंने देखी अच्छा तो उसके बाद फिर उस दरमियान आपको क्यों काम नहीं मिल रहा था मतलब उसके बाद फिर क्या ऐसी चीज थी 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 जो शायद रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट कर रही थी? क्या आपको नहीं मुझे वो मेरे वो मेरे ख्याल से डेस्टिनी यार ऊपर वाले का कुछ था कि इसको थोड़ा सा और ग्राइंड करते हैं इसको थोड़ा और ग्रिल करते हैं अभी पूरा नहीं हुआ इसका <laughs> मतलब थोड़ी और हाजिरी लगानी पड़ेगी <laughs> पता नहीं क्या था यार जबकि फिल्मिस्तान के बाद में बहुत फिल्में मैंने साइन की ऐसा नहीं कि नहीं तो आज आज कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिले एक फिल्म मैं निखिल अडवाणी साहब के साथ करने वाला था मेन लीड में बट वो फिल्म शुरू होने से पहले ही शेल्व हो गई एक फिल्म मैं एक और कर रहा था जिसमें शर्मन जोशी साहब थे और मैं था उसके दो दिन शूट हुआ वो बंद पड़ गई और एक और फिल्म मैं कर रहा था समीर कार्निक जी जिन्होंने यमला पगला दीवाना बनाई है तो वो डायरेक्ट कर रहे थे जिसमें मैं मनोज सर के साथ में था उस फिल्म में भी वो फिल्म शुरू होने से पहले ही शेल्व हो गई तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और कुछ इंडिपेंडेंट फिल्में जो मैं कर रहा था शूट तो वो तो हो तो रही थी लेकिन वो रेडी होकर रिलीज़ नहीं हो पा रही थी या कुछ बीच में ही अटक जाती थी फाइनेंसिस की वजह से क्योंकि इंडिपेंडेंट फिल्में थी छोटी फिल्में थी लो बजट की तो ऐसे करके साल दो साल तीन साल निकल गए और काम मेरा कुछ आ ही नहीं रहा है बाहर और लोग फिर से मुझे भूलने लगे एक इंडिपेंडेंट फिल्म आई फुल्लू जो हमने बनाई थी काफ़ी मेहनत से लेकिन लोगों को पता ही नहीं चला कब आई कब गई कोई अवेयरनेस ही नहीं थी लोगों में एक हफ्ते में उतर गई और एक और फिल्म की वाटका डायरीज वो भी आई और लोगों ने ज़्यादा लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था उसको लेकर भी नक्काश एक फिल्म की थी इनाम हक के साथ में जिसमें इनाम मेन लीड में थे मैं सेकेंड लीड में था और आ, वो भी मतलब आई लेकिन नोटिस ही नहीं उसी तीन साल के फेस के हाँ। तो लेकिन काम मुझे वो जो मैं चाहता था और मुझे लगा था कि यार अब तो भाई आई अराइव्ड अब तो काम हो गया है लेकिन मेरा ईटीए जो है वो बढ़ता जा रहा था कि मुझे लगा रहा आपका अराइवल टाइम जो है मुझे लगा था कि हाँ मैं तो पहुंच गया हूं गूगल मैप तो दिखा रहा है लेकिन फिर आगे बढ़ जाता था दस मिनट फिर आगे बढ़ जाता था आधा घंटा दो दिन महीने साल गुजर गए ऐसे तो वो मेरे ख्याल से ऊपर वाले का क्या था या डेस्टिनी थी क्योंकि मैं काम तो उतनी मेहनत से कर रहा था ढूंढ भी उतनी शिद्दत से रहा था और फिल्मिस्तान के साथ मुझे लगा था कि यार आ, किया तो है मैंने अच्छा काम <laughs> फिर क्यों लोग ऑडिशंस भी हो रहे थे अच्छे ऑडिशंस हो रहे थे अच्छी बड़ी फिल्मों के लिए मैं ऑडिशंस दे रहा था पर सेलेक्ट नहीं होता था शॉर्टलिस्ट हो जाता था लेकिन सेलेक्ट नहीं होता था तो ऑडिशंस तो, की क्या क्या प्रोसेस होती है जैसे मतलब क्या हर फिल्म के पहले अभी अभी भी ऑडिशन नहीं नहीं तो अब नहीं करना पड़ता थैंकफुली लेकिन मुझे वैसे ऑडिशन से भी कोई एतराज नहीं है जैसे मैंने तरला के लिए भी मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया था तो अगर आपको लेकिन अब मुझे मैं वो चुनता हूं कि मुझे इसके लिए करना है कि अगर वो फिल्म इतनी इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए जो वो किरदार जो है वो वो मैं निभाना चाहता हूँ मेरे अंदर से मतलब मैं चाहता हूँ कि यार ये मैं मुझे करना है तो फिर आ, मुझे ऑडिशन देने में भी कोई एतराज़ नहीं है बिल्कुल भी लेकिन अब मुझे ज्यादातर मतलब सीधा फिल्म ऑफर होती हैं और आ, मतलब आ, मैं चुनता हूँ फिर लेकिन ऑडिशन का एक प्रोसेस क्या बताऊँगा तो आ, 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 आपको एक कॉल आता है कुछ सीन्स मिलते हैं या जो कभी कभी डायरेक्टर साहब ख़ुद आपको नरेट कर देते हैं और वो बोलते हैं कि एक बार मैं आपका टेस्ट देख लेता हूँ कभी सिर्फ कास्टिंग वाले से बात होती है और वो आपको सीन्स दे देते हैं कहानी थोड़ी समझा देते हैं एक सिनापसिस टाइप का और जो आपको सीन मिल रहा है उसके आगे पीछे का थोड़ा और बता देते हैं उस हिसाब से आप प्रिपेयर करते हैं अपने आप को उस किरदार में आप कैसे उसको आप अपना बना सकते हैं या उस किरदार के अंदर आप आ, क्या कहते हैं उसको अपने आप को झोंकने की कोशिश करते हैं और क्योंकि आपको अगर बुलाया गया है ऑडिशन के लिए तो वो ये देखने के लिए कि आप टेबल पर क्या लाने वाले हो तो आप अपनी तरफ से जो उसमें आप आ, पेश कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आप उसमें उड़ेल देते हैं और उसके बाद ऑडिशन दे देते हैं फिर उस वक्त कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं वो कुछ चीज़ें बताते हैं और जब ऑडिशन हो जाता है तो फिर <laughs> रबर आखा। उसके बाद तो अभी आप जिस आ, मकाम पर हैं एक अच्छी खासी आपने जर्नी उतार चढ़ाव वाली देख ली है तो यहां से मैं दो चीजों पर बात करना चाहूंगा एक कि जब आप उसे पलट करके देखते हैं उस फेज को वो तीन साल वाला फेज फिर तीन साल वाला फेज उस फेज को जब आप अब याद करते हैं तो कैसा फील करते हैं मतलब क्या आता है आपके जहन में एक तो जब मैं पलट कर देखता हूँ तो एक जो सबसे पहले जो जहन में आता है वो खुशी होती है कि वो पीछे के गुजर गया <laughs> सबसे बड़ी खुशी उस बात की होती है और और एक चीज़ ये आती है कि मैं जहाँ पर भी हूँ मैं वो पार करके आया हूँ बहुत मेहनत की है बहुत मतलब शिद्दत से मतलब जुनून से बहुत मुश्किलों का सामना करके जहाँ भी पहुँचाऊँ वहाँ पहुँचाऊँ किसी की सिफारिश से या किसी मतलब आ, क्या कहते हैं उसको नहीं पहुँचा <laughs> उसके पीछे मैंने मेहनत की है और कोर्स ऊपर वाले का उसमें डेफिनेटली बहुत मुझे लगता है नसीब का बहुत बड़ा हाथ होता है उसको आप पूरी तरह से नकार नहीं सकते बिल्कुल नहीं लेकिन आ, मैंने मेहनत की है जहाँ पहुँचाऊँ उसके लिए मेहनत की है और मैं मानता हूँ कि मैं जहाँ पहुँचाऊँ मैं उसको मतलब डिज़र्व करता हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि मैं और मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ मैं जितना डिज़र्व करता हूँ अभी मैं मुझे उतना मिला नहीं है तो लेकिन इसी के साथ मैं खुश भी हूँ ऊपर वाले का शुक्रिया भी अदा करता हूँ क्योंकि कई लोगों को ये भी नसीब नहीं होता है और मैं जब मुझे ये नहीं भी मिला था तब भी मैं हमेशा खुश रहता था मैंने कभी मतलब कोई दिन ऐसे कुड़ के नहीं बिताया कि अरे यार काम नहीं आ रहा है अब क्या करूँ मैं और, और मतलब वो मैंने कभी नहीं किया <coughs> तो मैं अगर वो भी रहता तब भी मैं खुश रहता तो अब तो ऊपर वाले ने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजा है तो उस हिसाब से तो मैं काफ़ी शुक्र गुजार हूँ बट आई नो एंड आई वॉन्ट टू डू मोर एंड आई डिज़र्व मोर एंड आ, और होगा मुझे लगता है इनशाला और अच्छा होगा <laughs> तो अभी अब इसके आगे क्या मतलब अब जहाँ हैं वहाँ से अब आगे के क्या एम्बिशंस हैं क्या चीज़ें हैं जो अभी लगता है कि नहीं यार ये तो कर लेनी है ये करनी है यार ऐसे बहुत सारे हैं मतलब और वो ये मैंने ऐसे स्पेसिफिक बना के नहीं रखा है एम्बिशन को या आ, कि क्या मतलब ये पता नहीं लेकिन मुझे जैसे एक, अगर एक बेसिक तौर पे अगर बोलें अगला स्टेप तो मुझे इंटरनेशनल फिल्में करनी है मैं चाहता हूँ कि कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करूँ इन अगर मौका मिले तो खुद के करूँगा कुछ अच्छा किरदार अगर ऑफ़र हुआ तो वो है कुछ और अच्छी कुछ और जो मतलब जिसके अंदर मतलब ऐसा खुद को मतलब ना झोंकना पड़े कि मतलब और कुछ आस पास नज़र ही ना आए ऐसे किरदार करने हैं तो मैं चाहता हूं कि आगे और बेहतर स्क्रिप्ट्स मिले और बेहतर फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिले जिनके साथ काम करना करने की तमन्ना है, उन सब के साथ काम करने का मौका मिले तो आगे तो बहुत सारा मतलब अथा, सागर है आगे कुछ ऐसे लोग हों जिनके साथ तो करना ही है ऐसा कुछ आपका अनुराग कश्यप साहब के साथ काम करना ही है <laughs> और दिवाकर बनर्जी साहब के साथ काम करना ही है अभिषेक चौबा जी के साथ काम करना ही है बहुत सा मतलब राजकुमार ईरानी साहब के साथ काम करना है वासन बाला साहब के साथ काम करना है नहीं तो मतलब अभी लिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन बस आई होप कि मतलब वो सारी चीज़ें पूरी हों और और नए फिल्म मेकर्स के साथ काम करना है जिनको जब वो कुछ कहानी सुनाएं और लगे कि यार और अपना इंस्टिंक्ट फॉलो करना है मैं उसके अलावा और कोई चीज़ फॉलो नहीं करना चाहता कि यार इधर पे ज़्यादा पैसे हैं ये कर लेते हैं वो मैं अपना इंस्टिंक्ट फॉलो करना चाहता हूँ अगर मैं सिर्फ हमेशा वो कर पाया कि मैं सिर्फ इंस्टिंक्ट फॉलो कर रहा हूँ कि यार इसमें मुझे लग रहा है कुछ कड़क है बिना ये सोचे कि इसमें पैसे कितने मिलेंगे या क्या होगा वो होगा लेकिन बस मैं उस इंस्टिंक्ट के साथ में अगर मैं कर पाऊँ तब मैं अपने आप को समझूंगा कि हाँ मैं अब कामयाब हूँ तो ऐसे अभी आपका क्या वो रहता है कि मान लीजिए महीने में कितने दिन ऐसे होते हैं जो आपको शूट्स करने होते हैं या किस तरीके का आपका मतलब ये टाइम डिविजन होता है ये यार हमारा हर दिन अलग होता है तो ऐसा मैं बता नहीं सकता क्योंकि कई बार तो मतलब मुझे एक शूट से दूसरे शूट पर कई बार जाना पड़ जाता है कि अभी मैं एक फिल्म जब मैं दिल्ली में था उस वक्त और अमृतसर में दो फिल्मों का शूट चल रहा था जबकि वो जो अमृतसर वाला शूट था वो एक्चुअली दिसंबर में ख़त्म हो जाना था लेकिन क्योंकि उस वक्त फॉग बहुत था तो हम शूट नहीं कर पाए उस चक्कर में मार्च में उसके कुछ दिन आ गए बट मार्च में मैं एक फिल्म कर रहा था जिसका दिल्ली में शूट था तो अब वो दोनों को मैनेज करने में मैं मतलब यहाँ से पैकअप करके निकला हूँ सीधा फ्लाइट पकड़ी है और सीधा भी होटल भी नहीं डायरेक्ट लोकेशन पर पहुँचाऊँ और वहाँ रात भर शूट चला है तो ऐसा भी होता है कई बार मतलब हफ़्ता दस दिन का ब्रेक होता है कुछ नहीं होता है और कई बार एक प्रोजेक्ट ख़त्म होता है फिर कुछ इमीजिएटली दूसरा शुरू हो जाता है तो ये ऐसा कोई सेट है ही नहीं कि मैं महीने में इतने दिन काम करता हूँ और इतने दिन आराम करता हूँ तो जिस दिन शूट नहीं है उस दिन आराम है जिस दिन और जिस दिन शूट है उस दिन हम हमारा कैमरे के सामने हम लगे हुए हैं तो कोई पसंदीदा ऐसी चीज़ें जो आप जब एक्टिंग नहीं चल रही है शूटिंग नहीं चल रही है तो फिर शार भाषण क्या करते हैं मतलब मैं मतलब फिल्मों का बहुत शौकीन हूँ फिल्में देखने, देखने का सीरीज़ देखने का तो वो मैं भर भर के देखता हूँ फिर देखने 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 अभी तो मैंने एक अभी ये ओपन हाइमर बारबी दोनों देखी हाँ हाँ और फिर अभी कोहरा देखा मैंने इतना ज़बरदस्त शो है वो बाप रे बाप मैं मतलब एक जब एक आप कमाल का शो देखते हैं और आप उसका जब हिस्सा नहीं होते हैं तो बहुत अफसोस होता है <laughs> वो वाला अफसोस हुआ और वो खुशी हुई कि इतना कमाल का शो देखा और उसमें बहुत सारे दोस्त नज़र आए तो और ख़ुशी हुई कि अरे यार ये तो मैं मतलब मेरे ख्याल से बहुत जमाने बाद मैंने एक इतना कमाल का ये साल एक्चुअली काफी अच्छा रहा है स्कूप भी मैंने अभी देखा वो भी बहुत जबरदस्त था असुर असुरू बहुत जबरदस्त रहा तो और कोहरा पता नहीं कुछ अलग ही बना दिया है जबरदस्त बहरहाल मैंने पूजा नहीं देखा स्कूप तो मैं देख चुका हूँ बट कोहरा अभी मैं ऐसे सेकेंड एपिसोड पे हूँ तो एकदम बांध के रखा हुआ है जबरदस्त एक एक कास्ट उसमें कोई बंदा खाली फ्रेम से गुजरा भी है ना वो भी एक छाप छोड़ के जाता है गाना बहुत अच्छा गाते हैं आप गाना गाता हूँ मुझे अच्छा लगता है गाना आ, कौन अभी कौन से गाने सुन रहे हैं मतलब क्या जान रहा आप गाना सुनते हैं मैं ज़्यादातर पुराने गाने सुनता हूँ सिक्सटीज़ फिफ्टीज सिक्सटीज़ के थोड़े बहुत सेवेंटीज़ के बट ज्यादातर फिफ्टीज सिक्सटीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा गानों का वो है और गजलें गज़लें मुझे मैं, मैं बहुत सुनता हूँ जगजीत सिंह साहब की गुलाम अली साहब की मेहदी हसन साहब की और मतलब जो मतलब ऐसे फरीदा खानम साहब जी <laughs> तो वो मुझे बहुत बहुत पसंद है म्यूज़िक सुनना भी मुझे मतलब मैं बहुत इंजॉय करता हूँ गाना मुझे बहुत पसंद है कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा गाया करता था और मेरा एक अफसोस है ज़िंदगी में कि मैं कोई इंस्ट्रूमेंट मुझे सी... बजाना नहीं आता वो एक मैं चाहता हूँ कि अभी मैं अभी सीखूँ अभी कोई एक इंस्ट्रूमेंट की ट्रेनिंग लूँ शायद बॉम्बे जागूँगा और अभी मैं कुछ तो करूँगा इसके बारे में भी <laughs> इन <इंशाल्ला। laughs> और मैं वोकल्स भी सीखना चाहता हूँ एक दो बार मैंने ज्वाइन भी किया बट मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया हफ़्ता दो हफ्ता किया और फिर बाद में रह गया मतलब इन सारी चीज़ों में एक डिसिप्लिन चाहिए है हाँ, आपको टाइम देना है प्रॉपर वही वही तो, और फिर शूट आ गया अगर तो वो सब चीजें छूट जाती हैं लेकिन अगर करना है तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ में रह के ही करना है अभी आपका मैंने देखा कि आपने कोई गाना गाया है शायद आ, हाल फिलहाल में मैंने कोई वीडियो देखा इसमें आप स्टूडियो इस में गाना गा रहे हैं वो मैंने तरला का गाना गाया है अच्छा तरला का वैसे तो नीलोत्पाल बोरा ने शायद गाना गाया है नहीं नीलोत्पाल बोरा का दूसरा गाना है वो आंखों तो ही आंखों में मैंने रहे ना क्यों ये सुहित अभियंकर ने कंपोज किया है और ये गाया भी उन्होंने और रेखा भारद्वाज जी की आवाज़ में भी एक वर्जन है तो वो वाला मैंने वो गज़ल नुमा गीत है तो वो मुझे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पसंद आया तो मैंने गाया सुहित के साथ में ही सुहित ने ही मतलब उसे फिर से रिक्रिएट किया और पीयूष भाई के घर पर ही हमने वो गाना उस वक्त रिकॉर्ड किया एंड पीयूष रिकॉर्ड कर रहे थे उसको तो वो शूट कर रहे थे तो अभी आपका गला ख़राब है लेकिन क्या कोई गाना आप गा करके अगर हमारी ऑडियंस को भी गाने के लिए तो मैं तो चाबी वाला खिलौना हूँ आप बोलो मैं शुरू हो जाता हूँ इतना ख़तरनाक आपने वो गाना गाया है बहुत ही मजा आ गया था आ, मैं शायद अनकट के इंटरव्यू में मैंने देखा बहुत ही जबरदस्त आपने वहाँ गाना गाया है किशोर दा का गाना ना तो आया बजाना ना आया हाँ अनकट में गाना ना आया और मैंने वो गाना पहले सुना नहीं था <laughs> मैंने आप ही को सुना मैंने कहा वाह या, 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 तो मतलब नहीं ली और आपने थिएटर भी नहीं किया थिएटर भी नहीं किया थिएटर किया मैंने फिल्में करने के बाद लोग उल्टा करते हैं थिएटर करते हैं कई साल और उसके बाद थिएटर में फिल्मों में आते हैं मैंने फिल्में करने के बाद में जब मैं जब तक है जान की मैंने और फिर फ़िल्मिस्तान की फ़िल्मिस्तान में मुझे एक गोपाल दत्त मिले जो मेरे को एक्टर तो वो पता नहीं एक तो उनके साथ में एक लगा एक जुड़ाव हुआ बहुत ज़बरदस्त <coughs> मैं बहुत पसंद करता हूँ गोपाल को और गोपाल मुझे हमेशा कहता था कि अरे यार तो थिएटर क्यों नहीं करता तू तो थिएटर का बंदा है तो थिएटर का बंदा है मुझे लगता था कि मैं, मैं मैं तो मतलब मुझे पता नहीं कैसे करते हैं थिएटर और क्या मैंने तो नाटक भी मतलब मैं एक हाथ की उंगलियों में गिन सकता हूँ उतने नाटक देखे थे मैंने अच्छा देखे देखे थे ओह तो करनी करना तो मतलब बहुत ही दूर की बात थी फिर उस वक्त ये फिल्म की शूट हो गई थी तो उसके कुछ महीनों बाद गोपाल एक नाटक शुरू कर रहे थे टुन्नी की कहानी चिल्ड्रेंस म्यूजिकल प्ले था वो और उसमें उन्होंने मुझे दो कैरेक्टर्स करने के लिए कहा और मैंने वो किया और तब मैंने मैं मैंने नाटक थिएटर में उतरा और बहुत इन्जॉय किया मैंने मतलब स्टेज पे नाटक करना परफॉर्म करना एक अलग ही हाई है उसका थी। दो तीन और प्लेस किए और कई शोज़ किए फिर मतलब और क्योंकि तब फिल्मिस्तान रिलीज़ नहीं हुई थी और वैसे ज़्यादा काम नहीं था तो नाटक मैंने कहा कि उस दौरान नाटक कर लें तो मतलब ज़्यादा अच्छा ही होगा और बहुत इन्जॉय किया तो अभी थिएटर करने का कैसे मौका टाइम मिले तो आप करना पसंद कर मैं बिल्कुल करना पसंद करूँगा करता हूँ मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं एक नाटक करूँ जल्दी से जल्दी बट पता, पता नहीं कब वो मतलब राइट स्क्रिप्ट या राइट वापस से अपॉर्चुनिटी मिलेगी लेकिन और टाइम सब कुछ मैच हो जाए एक बार तो मैं तो ज़रूर करना चाहूँगा एक नाटक दोबारा दिल्ली में तो नाटक का काफ़ी कल्चर है मतलब थिएटर में आ, मंडी हाउस वगैरह में आप वहाँ यहाँ अक्सर मतलब हर संडे सैटरडे हम मैं मुझे बहुत शौक है थिएटर्स का तो मैं तो जाता रहता हूँ अभी <laughs> मैंने डॉक्टर एम सईद आलम हैं उनका डायरेक्ट किया हुआ एक नाटक है गालिब इन न्यू डेली <laughs> तो वो अभी मैंने हाल फिलहाल में देखा बहुत ही बेहतरीन थिएटर था वो तो कैसा मतलब महाराष्ट्र वहाँ मुंबई में क्या थिएटर का भी कल्चर जैसे एक बॉलीवुड का पूरा वहाँ बना हुआ है इंडस्ट्री तो ऐसे थिएटर को लेकर के क्या है थिएटर को लेके बॉम्बे में भी है काफ़ी हाँ माहौल माहौल काफ़ी सारे आ, बड़े प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप्स हैं बॉम्बे में मुंबई में और बहुत मतलब नाटक वाटक लोग देखते भी हैं जाके पृथ्वी में एन में और भी दूसरे छोटी छोटी मतलब छोटे वेन्यूज़ हैं जहाँ पर नाटक के लिए लोग जाते हैं देखने के लिए तो मतलब शायद दिल्ली जितना बड़ा ना हो वहाँ का थिएटर सिनेरियो लेकिन काफ़ी है मुंबई में मुंबई में और मुंबई में लोग आजकल कास्टिंग डायरेक्टर्स फिल्म मेकर्स सब फिल्म नाटक देखने जाते हैं और अगर उन्हें कुछ पसंद आता है तो वहाँ से एक्टर को पिक भी करते हैं <laughs> तो मेरे ख्याल से तो नाटक आज की डेट में थिएटर करना हर एक्टर को चाहिए आज की, की डेट में क्या मतलब हमेशा से ही थिएटर तो एक बहुत फिल्में जो है वो तो डायरेक्टर का मीडियम है थिएटर जो है वो एक्टर का मीडियम है टेस्ट क्रिकेट टाइप है मतलब थिएटर थैंक यू शुक्रिया बहुत अदरक ठीक है इसमें बेटर है तो गला साफ है? हाँ गला साफ़ क्या सुनाऊँ बताइए आप अपना कोई फेवरेट सुना दीजिए जो आपको पसंद हो जिसे हम ये भी कह सकें कि शारेब हाशमी का पसंदीदा गाना गाया टाइप पसंदीदा गाना आज मैं खा पाऊंगा क्या पता नहीं पता नहीं बहुत खराश हो रही क्योंकि रात को हम लोग बहुत देर तक हम गाने गा रहे थे क्या अच्छा चिल्ला गए एकदम होटल में मेरा, हाँ मेरा रैप हो गया था पिक्चर रैप हाँ। तो हम ऐसे ही इंजॉय कर रहे थे तो शूट था आपका हु। कल शूट था मतलब तो कल कंप्लीट हुआ मेरा पूरी फिल्म का शूट तो एक शूट रैप और पिक्चर रैप जब हुआ उसके बाद में हम बैठे और सेशन चला सेशन चला तो लंबा चला उस वजह से मैं सोच रहा हूँ क्या सुना अच्छा जो आ, उसी वही सुनाता हूँ लेकिन उसका फर्स्ट हाफ सुनाता हूँ गाना ना आया बजाना ना आया ठीक। जो हारमोनियम बजाया आहा हा तबला बजाया ओह हो ये भी बजाया आहा हा वो भी बजाया ओह हो मगर अफसोस गाना ना आया है बजाना ना आया है दिल भर को अपना बना आया हाँ गाना न आया बजाना न आया है दिल भर को अपना बना आया हाँ <coughs> कहीं सा है पुवाँ पां पुँँ पु पु कहीं रे है पा पां पा कहीं गामा पाधानी है ए, कहीं बागेश्वरी की बहन है कहीं जय जयवंती की नानी है हाँ ये बोझा सात सुर का हमसे रे उठता भी तो क्यों उठता हाँ, हाँ। हमें एक सुर भी हिलाना न आया हमें एक सुर भी हिलाना ना आया दिल भर को अपना बनाना ना आया गाना ना आया बजाना ना आया दिल भर को अपना बनाना ना आया हर धतरी की बहुत बहुत शानदार <laughs> बहुत शानदार ये खराश के बाद है <laughs> <laughs> बहुत ही शानदार थैंक यू थैंक यू <laughs> मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन अंत इस पॉडकास्ट का नहीं हो सकता था अरे थैंक यू सो मच भाई काफ़ी सारी हमने बातें की आपकी रिलीज़ फिल्मों पे बातें की और काफ़ी सारी चीज़ें समझने को जानने को मिली और जो एक सफलता हमें दिख रही है लोगों को दिख रही है जे के कोई जान रहा है कोई चंदन जान रहा है क्योंकि उसके पीछे की जो एक पूरी जर्नी है वो जो तीन साल हैं उसके बाद उससे बाहर निकलना ये मेरे हिसाब से हमारे व्यूअर्स को समझ आएगी ये जर्नी और आप इसी तरीके की फिल्में करते रहिए और हम सब Thank के you. दिलों पर राज करते रहिए हम सबको अच्छा सिनेमा देखने को मिले थैंक यू इसी की हम कामना करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया भाई बहुत so अच्छा much. लगा आपसे मिल करके बहुत same कुछ <laughs> जानने को समझने को मिला थैंक यू सो मच बस आखिरी में आप में आए आपको कैसा लगा और मुझसे बात करके आपको कैसा लगा ये हमारे व्यूअर्स को गाना नहाया है ये <laughs> मुंह पे चढ़ रहा है मैंने <laughs> <laughs> मेरे मुंह पे चढ़ रहा है मैंने मक्का बताया कि जाने के बाद आपके हम गाने वाले हैं ये <laughs> <laughs> जी <laughs> सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा जिस्ट अनस्क्रिप्टेड का मुकुल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो मैंने बहुत इन्जॉय किया काफ़ी मज़ेदार बातें की काफ़ी गंभीर भी थी कुछ चीज़ें लेकिन ज़्यादातर मैंने बहुत बहुत इन्जॉय किया एंड थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच तो अगर आपको ये इंटरव्यू और ये शो पसंद आया है तो प्लीज़ जस्ट अनस्क्रिप्टेड को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए जो करना है कीजिए भाई बिंदास लेकिन कीजिए ज़रूर